Let us start with your advanced company law, so called advanced company law. Advanced is a good thing, basic jo executive mein padha tha waisa hi hai. But do cheez pe focus hoga, ek procedure, logic. Theek hai, logic. See, law mein ek cheez hamesha dhyan mein rakhna, law logic pe banta hai. अगर तुमको कोई डाउट आता है और अगर तुमको कोई तुम किसी को पूछो कि ऐसा क्यों है और अगर तुमको सामने ऐसा जवाब मिलता है कि लॉ में लिखा है इसलिए ऐसा है तो वो गलत है क्योंकि बनाने वाला बस चलो यार आज लॉ बनाते हैं और लिख दिया कुछ भी वैसा नहीं होता है कितना तो दिमाग लगाना पड़ता है कितना तो रिसर्च करना पड़ता है फिर भी कितना गलती होता है सोच 1956 में आया था फिर 2013 में आया 99 में एक छोटा सा अमेंडमेंट वाला एक्ट आया था बाकी 2013 में चेंज हुआ 56 से 2013 इतने साल तक सोचा फिर भी 2015 वाला एक्ट आया 2017 वाला एक्ट आया और अब 2018 वाला आने वाला है तुमको एप्लीकेबल है ठीक है 2013 वाला भी पढ़ना है 2017 वाला भी पढ़ना है 2018 वाला भी पढ़ना है समझे 2018 वाला तो आपके मॉड्यूल में नहीं आया होगा बाकी अपने लिए तो एप्लीकेबल हो चुका है सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस में कंपनी ला सब्जेक्ट ही नहीं है एनीवेज अच्छा है तुम लोगों को है क्योंकि सी कंपनी लॉ का जितना सिलेबस है ना नियर अबाउट 70-80% इज सेम एज एग्जीक्यूटिव सेम एज एग्जीक्यूटिव खाली तुमको एग्जीक्यूटिव से यहां पर नया क्या मिलेगा एज आई टोल्ड यू कुछ प्रोसीजर्स जो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे अपन उसके अलावा लॉजिक जो शायद तुमने एग्जीक्यूटिव में पढ़े होंगे तो चेक कर लेना मेरा बराबर है क्या और अगर नहीं पढ़े होंगे तो अच्छा ही है मैं बता दूंगा ठीक है तो ये डिफरेंस रहेगा तुम्हारा एग्जीक्यूटिव से प्रोफेशनल में बस एक ही रिक्वेस्ट एब्सेंट मत रहना ठीक है यहां पर कैसा होगा ना आज जो पढ़ाऊंगा उसी का लिंक कल मिलेगा कल जो पढ़ाऊंगा उसी का लिंक परसों मिलेगा परसों जो पढ़ाऊंगा उसी का लिंक उसके बाद मिलेगा और तुम्हारा बीच में एक लेक्चर गया मतलब लिंक गया वो प्रॉब्लम नहीं है लॉजिक गया फिर तुम रट्टा मारते बैठोगे ठीक है तो रट्टा मारोगे तो उस टाइम तो याद आ जाएगा बट पोर्शन खत्म होते होते दिसंबर जनवरी आ जाएगा तब अगर मैं पूछूं नवंबर में पढ़ा था याद है क्या लॉजिक पता होगा तो याद होगा रट्टा मारा होगा वो लेक्चर का नहीं याद होगा लिख के ले लेना लिखने से याद आया अपना जो नोट्स है हम क्लास में बनाएंगे हम अपना नोट्स खुद बनाते उसका लॉजिक है उसका भी लॉजिक है मॉड्यूल जो है ना साइज देखा होगा ना आपने करीब करीब 700 से 750 पेज का एवरेज बनता है तुम्हारा मॉड्यूल ठीक है पढ़ने में मजा आता है 750 पेज हाथ में लेके बैठे बाजू वाले भी क्या सोच रहे कितना पढ़ता है ये पढ़ने में मजा आता है लेकिन एक बार दूसरी बार पहली चीज तो खोलने का टाइम भी नहीं मिलेगा तुम खाली कंपनी लॉ थोड़ी दे रहे हो बाकी सब्जेक्ट भी है ना और जून में एग्जाम है जून में एग्जाम नहीं है जून में एग्जाम है ठीक है और 7 सब्जेक्ट बाद 6-7 सब्जेक्ट है तुम्हारे समझे उसमें भी इलेक्टिव पेपर भी होगा जिसका तो क्लास भी नहीं होगा तो खुद से पढ़ना पड़ेगा है कि नहीं तो उसमें तुमको टाइम जाएगा ऊपर से तो 700-750 पेज पढ़ाना मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा मैं या मॉड्यूल लेके आऊंगा सॉफ्ट कॉपी या प्रिंट करवा के तुमको बोलूंगा मॉड्यूल लेके आओ एक लाइन रीड करूंगा हिंदी में समझाऊंगा अंडरलाइन करेंगे दूसरा लाइन रीड करेंगे हिंदी में समझाऊंगा अंडरलाइन करेंगे क्वेश्चन फटाफट खत्म होएगा ठीक है समझ में आया कि नहीं आया मेरे को नहीं मालूम ये मेरे को ट्रांसलेट तो करना है इंग्लिश टू हिंदी समझा करने में तो मजा आएगा लेकिन कैसे करोगे रिवीजन ही सब कुछ है एग्जाम के एक दिन पहले अगर पूरा कंपनी लॉ 750 पे रिवाइज करेगा तो सोच तेरा कॉन्फिडेंस लेवल किधर जाएगा है कि नहीं और वही करना है अपने को ये जो नोट्स तुम लेके आयो ना 100-100 पेज वाला बुक अगर लाए तो बदल लेना 150-200 पेज वाला एक दो बुक तो मैं खुद क्लास में भरवा दूंगा उस हिसाब से जो तुम बुक में लिखोगे ना वो तुम्हारी जुबान पे होना चाहिए कैसे होएगा बताता हूं आज जो किया ना कल रिवाइज करेंगे कंपनी लॉ का मैं क्लास के अंदर 19 बार तुम्हारा पहले दिन का रिविजन करवा दूंगा 19 बार रिवीजन सोच सामने वाला सुनते ही में चला जाएगा दोस्त लोग के साथ पढ़ोगे ना अपने आजू बाजू वाले मेरा फर्स्ट रीडिंग चल रहा है मेरा फर्स्ट रिवीजन चल रहा है तेरा क्या सीन है मेरा 20वीं बार चल रहा है
वो कॉन्फिडेंस ही अलग है। पास होने के लिए सब चीज चाहिए, खुद का कॉन्फिडेंस और सामने वाले का तोड़ो, अपन पास, समझा? वो हिसाब से चलना है। कोई भी डाउट आता है बिंदास पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है। बस कोई फालतू का रूमर मत फैलाना, तुमको नहीं आता है तो बाजू वाले को पूछा, और बाजू वाले को भी नहीं आता तो गलत मत समझाना, दोनों आ जाना, ठीक है? एक बार मैं नहीं समझा तो दूसरी बार पूछ लेना, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, समझा? अपना मैटर है खाली रिजल्ट में पास, अब तो फाइनल आ गया ना यार, नाम के पीछे सीएस लगाना है 6 महीने में, बस 6 महीने में नाम के पीछे सीएस लग गया फिर तो दुनिया स्टार्ट होएगा। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो क्या टाइम पास ही चल रहा है, ग्रेजुएशन वालों को तो मालूम होगा। ओके, अगर तुमने कभी स्टडी मटेरियल ऐसा सॉफ्ट कॉपी आ चुका है ऑलरेडी, वो कभी खोल के देखा हो, जो मैंने बोला 70-80% सिलेबस सेम है, ठीक है? सेम मतलब कैसा बताएगा, डायरेक्टर्स पढ़ा था बचपन में, पूरा वापिस आएगा, ठीक है? फिर तुमने वो चार्जेस डिपॉजिट ऐसा सब पढ़ा होगा, डिविडेंड पढ़ा होगा, सब वापिस आएगा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज पढ़ा होगा, ठीक है, वापिस आएगा। मतलब आएगा सब कुछ वैसा का वैसा, लेकिन तुम जो पढ़ोगे वो 2017 और 18 के अमेंडमेंट्स के साथ। अभी जो मैं पढ़ाऊंगा 2017 के अमेंडमेंट्स के साथ, 18 वाले अभी कवर नहीं करूंगा, ठीक है? क्योंकि वो प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया है, उसका सॉफ्ट कॉपी गैजेटेड कॉपी अभी तक मार्केट में आया नहीं है, समझे? तो वो मार्केट में एक बार सर्कुलेट होना स्टार्ट हो फिर कर देगा, कुछ एक्साइटमेंट में अपन सब कर दे और बाद में पता चला पार्लियामेंट पास ही नहीं हुआ तो खाली पीली एक्स्ट्रा पढ़ के फिर तुमको रिवर्स कराऊं कि वो जो याद करवाया था भूल जाना, इधर याद नहीं होता है। तो उसका अपन थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर वो अमेंडमेंट वाला एक्ट आ गया तो देर आर 35 अमेंडमेंट्स उसके अंदर, ठीक है? 35 जिसमें 34 होंगे, पहला अमेंडमेंट तो हमेशा हेडिंग होता है, हेडिंग को छोड़ दो, टेक्निकली 32-34 अमेंडमेंट्स होंगे, तो वो आएगा तब देख लेंगे अपन। फॉर द टाइमिंग अपन स्टार्ट करते हैं जो सबसे बड़ा टॉपिक है तुम्हारे सिलेबस का, डायरेक्टर्स। अगेन मॉड्यूल में देखोगे तो डायरेक्टर्स नाम का कोई चैप्टर नहीं दिखेगा, ठीक है? वो लोगों ने क्या किया है, ये डायरेक्टर्स नाम के चैप्टर को टुकड़े टुकड़े में तोड़ा हुआ है, मीटिंग्स वाला पार्ट अलग डाला है, 186 इंटर कॉर्पोरेट लोन्स इन्वेस्टमेंट्स एक अलग चैप्टर बना दिया है, ठीक है? फिर तुम्हारा अपॉइंटमेंट एंड मैनेजरल रेम्यूनरेशन वाले को दो अलग अलग पार्ट्स में तोड़ा हुआ है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एक अलग चैप्टर डाल दिया है। उन लोगों ने 4-5 अलग अलग पार्ट में तोड़ा होगा, अपने लिए सबका मालिक है, 149 से 205 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, ठीक है? मैं अमेंडमेंट 2017 वाला कराऊंगा बट एक्ट 2013 वाला याद रखना, एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 ऐसा लिख के मत आना। क्यों ऐसा? क्योंकि 2017 में उसका सेक्शन नंबर लगेगा, समझे? 2017 में 93 सेक्शंस है, कितना? तुमको कंपनीज एक्ट का 470 सेक्शंस है, प्लस 93 जो उसमें आया 2017 में, प्लस 35 जो 18 में आएगा। सुनो, अगर ऐसा याद रखना है तो, वरना वो 93 और 35 जो है उसका नंबर 2013 वाला याद रखोगे तो बेस्ट है, समझे? तुमको 470 सारे के सारे नंबर याद नहीं रखने, जैसे बीच में 100 सेक्शन है वाइंडिंग अप चैप्टर का, वो नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव में तो या उधर ही छोड़ दिया, इसमें नहीं है, बच गए। नहीं तो वाइंडिंग अप को अकेले को करने को मेरे को कम से कम तुम गिनोगे तो भी 20-21 घंटा तो लग जाता, 100 सेक्शन यार, समझे? बट नॉनस स्टार्टिंग विथ योर चैप्टर ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 149 से 205, ये कवर करेगा तुम्हारे एग्जाम का कम से कम 15-20 मार्क्स ऑफ द सिलेबस। मतलब अब जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ना डायरेक्टर्स, 15-20 मार्क का सिलेबस, ठीक है? नियर अबाउट अगर सोचोगे, कैलकुलेशन बेसिक तो आता होगा, 1/5-1/6 ऑफ द पेपर इसी चैप्टर में कवर हो जाएगा, समझे? तो नेचुरली इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो रिवीजन भी उतनी बार होना चाहिए, बिकॉज इसका रिवीजन भी उतनी बार होना चाहिए तो इसको स्टार्ट ही पहले करते हैं, ताकि 20 दिन भी अगर लेक्चर चलेगा तो 19 बार तो रिवाइज हो जाएगा, सेकेंड डे वाला 18 बार रिवाइज होगा, थर्ड डे वाला 17 बार रिवाइज होगा। वैसे तो
उस हिसाब से रिविजन तुम्हारा हो जाएगा, समझे? ओके, अब सीन कैसा है ना, डायरेक्टर्स में 149 से 205 जो पर्टिकुलर चैप्टर है पूरा डायरेक्टर्स, कंपनीज एक्ट में इसको तीन पार्ट्स में तोड़ा है, 149 से 205 में तीन पार्ट्स में तोड़ा हुआ है। एक है 149 से 172, एक है 173 से 195, 196 से 205, ये तीन पार्ट्स में तोड़ा हुआ है, ठीक है? अपने को तो सारे सेक्शन ऐड करने हैं। ये चैप्टर इतना जबरदस्त है कि ये 50-55 सेक्शन है, नियरली 55 सेक्शन पकड़ के चलो, सारे के सारे सेक्शन नंबर के साथ बैठ होने चाहिए। सर आई एम नॉट गुड विद द फिगर्स, रिविजन, रिवाइज करने से सब याद होता है, ठीक है? मतलब रिवाइज किया ना, सर रिविजन करेंगे तो याद कैसे होगा? रिवाइज तो क्या, रोज पढ़ते रहेंगे तो याद हो जाएगा, होएगा ना? एबीसीडी लिखो, याद है लास्ट कब लिखा था, याद है कब लिखा था? बाबा, लेकिन फिर भी अभी लिखने बैठोगे तो बराबर जाएगा ना सीक्वेंस में, मिस होता है क्या बीच में? नहीं। कैसा? तब रिवीजन किया था तीन साल तक एलकेजी, समझे? रिवाइज किया था तो चल, तुमको तुम्हारे लेवल का एग्जांपल देता हूं। डीडीएलजे देखा है? डीडीएलजे कौन है रे, हीरो कौन है और हीरोइन कौन है? कितनी बार रट्टा मारा बोल, पेपर पेन पे लिखने बैठे थे डीडीएलजे इक्वल टू शाहरुख प्लस काजोल, डीडीएलजे इक्वल टू शाहरुख प्लस काजोल, देखा है नहीं? फिर भी मालूम है शाहरुख काजोल है कि नहीं, समझ रहा है? तो मतलब दो बार पिक्चर देखा तो हीरो हीरोइन स्टोरी याद रह गया, तीसरी बार देखोगे तो डायलॉग भी याद हो जाएगा, पलट है कि नहीं, समझा? तो वैसा होता है सीन, याद रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। ऐसे अपना जो सब्जेक्ट है ना, सच्ची बोल रहा हूं, तुम्हारे पास सात और सब्जेक्ट है, उसको पढ़ो, इस पे ज्यादा फोकस करने का जरूरत नहीं है। ये मैं क्लास में जो कराऊंगा ना, घर पे जाके रीड करने का, घर पे जाके भी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने का तो पढ़ो, इसको रात को सोते टाइम पढ़ने का, पढ़ते पढ़ते सो जाने का, ठीक है? नींद भी अच्छा आएगा, समझे? उतने में रिवाइज हो जाएगा, आराम से रिवाइज होता है। खाली तुमको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा तो स्कैनर लेना पड़ेगा, जो तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए नया आएगा। स्कैनर में इधर जो मैं कराऊंगा ना, इधर मैं सारे प्रोविजंस कवर कर दूंगा, प्रोविजंस और मैक्सिमम जितने प्रोसीजर्स अपने को कवर करने वो इधर मैं कवर कर दूंगा। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में क्या लिखे, फिर कैसे लिखना है वो मैं समझा दूंगा तुमको, वो का टेंशन नहीं है, ठीक है? लेकिन एग्जैक्टली उसमें लिखना क्या है उसके लिए स्कैनर काम आएगा, प्रोविजन तो यही आएगा स्कैनर में भी, बस क्वेश्चन कैसा बनता है वो क्वेश्चन समझने के लिए तुमको स्कैनर, वो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है। तुम ओल्ड सिलेबस वाले हो ना, तुम्हारे लिए पास्ट एग्जाम बहुत सारा हुआ है, तो उसमें बहुत सारा वैरायटी मिलेगा तुमको, ठीक है? उसमें जितना वैरायटी है उतने कंसेप्ट अपन कवर कर लेंगे, वो का टेंशन नहीं है, समझे? क्वेश्चन देख लेने का, उसमें आंसर तुमको ऑलरेडी आता है, चेक करने का, मेरे को जो आता है वैसे ही लिखा है उसमें, फॉर्मेट अपन बना देंगे, उसी फॉर्मेट में उस आंसर को उतार देने का, उसमें जो भी फॉर्मेट दिया अपने को फर्क नहीं पड़ता है, स्टैंडर्ड बना दे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एक ही फॉर्मेट सब वही फॉलो करने का वैसा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते अपना सब्जेक्ट एडवांस्ड कंपनी लॉ, 100 मार्क का, ठीक है? तो जो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले डायरेक्टर्स से स्टार्ट करते हैं। अब ये जो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले डायरेक्टर्स से, उसमें ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा पार्ट तुम्हारे एग्जीक्यूटिव में कवर था, ठीक है? बट आई हैव अ प्रॉब्लम, तो मैं अज्यूम करके चलता हूं तुमको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है? तो अगर आता है तो बोल मेरे को, मेरा बराबर है क्या? अगर नहीं आता है तो बेस्ट है, ठीक है? चलो तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मतलब तुम बोले सर ऐसा क्या पूछ रहे हो, तो मेरे को आता है, चेक करते हैं ना, चेक करते आता है क्या, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बोल डायरेक्टर मतलब क्या, कौन, जो भी तुमको आता। सी मैं जो क्वेश्चन पूछू ना उसमें लॉजिक का तो आंसर मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता, जो दिमाग में आता है बोल देने का, कुछ जो कचरा भरा है निकालोगे तो मैं कुछ फ्रेश डालू अंदर, बिंदास बोल। डायरेक्टर मतलब क्या होता है, कौन होता है, क्या करता है, मैनेज करता है किसको, कंपनी को मैनेज करता है, ठीक है? और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स, और अ
director is the representative of the shareholders. Can I say director is the agent of the shareholders? Representative matlab wahi hua na. Or bas सर डायरेक्टर नहीं सुना कभी तो कुछ तो बोल डायरेक्टर के बारे में बताओ कंपनी के बारे में बताओ कुछ तो बताओ तो तीन घंटा में प्रवचन नहीं देने वाला इधर खड़े होके प्लीज अपन बातचीत करते करते पढ़ेंगे तुम लोग बिंदास बात करने का खाली मेरे साथ बोल सब्सटेंशियल पावर्स सब्सटेंशियल क्या सब पावर उनके पास ही होता है और कोई जोर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करने का पावर और Someone who manages the company on behalf of shareholders. Shavash, or bolo. Chor se. Yes. Acha to director zaruri hai. Kaam bhi hota hai aisa. To ek director nahi hota to nahi chalega. Company kiska hai? To khud nahi chala sakte kya? बहुत सारे होते हैं तो एक साथ इतने सारे लोग मतलब पॉसिबल ही नहीं है समझा वैसे ही ग्रुप स्टडी में होता है एक साथ जब तुम बोलते हम लोग ग्रुप स्टडी करते हैं जून के बाद दिसंबर फिर जून के बाद दिसंबर पढ़ाई जो आइसोलेशन में होता है ना ग्रुप में कभी नहीं होता है ग्रुप में खाली पंचायत होते हैं एनीवेज चलो तुमने जो पॉइंट बोला उसी को थोड़ा सा इलैबोरेट करके चेक करते हैं एजेंट बोलो रिप्रेजेंटेटिव बोलो कुछ भी बोलो ये बोला ठीक है मतलब डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है डायरेक्टर को अपॉइंट शेयर होल्डर्स करते तो शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है इसलिए उसके क्या बोलते डायरेक्टर इज द एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स ठीक है मतलब के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ा होगा उसमें एक प्रिंसिपल होता है एक एजेंट होता है प्रिंसिपल जो बोलेगा वो एजेंट करता है और एजेंट बराबर करता है तो प्रिंसिपल उसको क्या देता है कमीशन देता है बराबर व्हाट वी आर ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि मेरे पास एक रिलायंस का शेयर है एक मतलब मैं रिलायंस का ओनर मुकेश अंबानी मेरा एजेंट मैं उसको कमीशन देता हूं अब यार तुमने तो बोला अपना एजेंट होता है वो मतलब कमीशन नहीं देते कमीशन के एजेंसी कैसे होता है कौन देता है रेम्यूनरेशन कौन देता है रेम्यूनरेशन रेम्यूनरेशन कौन देता है कंपनी कौन देता है रेम्यूनरेशन कंपनी देता है तो डायरेक्टर जो डिसीजन लेता है वो कंपनी के लिए लेता है कि तुम्हारे लिए लेता है तो एजेंट तुम्हारा हुआ कि कंपनी का हुआ पहली गलती डायरेक्टर तुम्हारा एजेंट नहीं होता है कंपनी का होता है तुम खाली उसको अपॉइंट करते हो अपनी कंपनी को चलाने को समझे क्यों सेपरेट लीगल एंटिटी बचपन में पढ़ाएगा सेपरेट है ना तुम अलग है कंपनी अलग है डायरेक्टर अलग है कि नहीं डायरेक्टर जो डिसीजन लेता है कंपनी के नाम से लेता है रिलायंस ने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया रिलायंस के शेयर होल्डर के लिए क्या बोला गया पॉसिबल ही नहीं है समझा डायरेक्टर
एजेंसी अगर रिप्रेजेंटेटिवनेस या एजेंसी की अगर बात करते ना तो सामने पहला सवाल उठता है कंसिडरेशन मिलता है? हाँ मिलता है। कौन देता है? कंपनी देता है। कंपनी देता है तो तुम कंपनी हो क्या? नहीं, तो तुम्हारे एजेंट कैसे हो रहे हो? समझा? क्लियर है? ओके, बेसिक गलती है, सब करते हैं, ठीक है, बट ये चीज दिमाग में क्लियर रखना। एग्जाम में नहीं पूछेगा कोई, प्रोफेशनल लेवल पे इंटरव्यू में पूछेगा पास होने के बाद, समझे? तब समझ में आना चाहिए। अकाउंट्स पढ़े हो? अकाउंट्स इंटरव्यू में कैसा सवाल आएगा? क्या नाम? आकाश। आकाश बेटा इंटरव्यू ले, इंटरव्यू के लिए मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, बीच में टेबल है, राउंड टेबल बैठा रहता है। आकाश का फाइल वाइल मेरे पास पड़ा है। इंटरव्यू में सवाल कैसा आता है? ये टेबल दिख रहा है आकाश? ये फिक्स्ड एसेट है, इन्वेंट्री है, आया? डबल थॉट आया दिमाग में? ऐसा सवाल आता है इंटरव्यू में, ये इंटरव्यू में आता है, समझे? आंसर क्या? फिक्स्ड एसेट भी है और इन्वेंट्री भी है, तुम उसको कैसे कन्विंस करते हो वो इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, गेटिंग द पॉइंट? उस सब मार्केट में जब आओगे ना तब पता चलेगा, तब मजा आएगा। अभी तो अपन बेसिक पे एकदम, दुनिया का असली रंग किधर देखा ही अपन ने वैसा। चलो एनीवेज, डायरेक्टर बनना, कोई है क्या डायरेक्टर इधर से? कोई खुद का बिजनेस विजनेस है किसी का? पापा का बिजनेस में कोई डायरेक्टर बना हुआ? पापा का बिजनेस है, पापा डायरेक्टर है, क्या बिजनेस है? सॉरी, पेट्रोल पंप? क्या बात है यार, तो अमीर आदमी है बहुत, सही है। ओके, समझो समझो समझो, तो डायरेक्टर बनना है, पूछ रहा हूं, डायरेक्टर बनना है, बनोगे? बनाएगा कौन? उसे क्या फर्क पड़ता है? बनना है ना, बन सकते हो? आया ना, कैसे बन सकते हो? डायरेक्टर बनने के लिए कुछ चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, क्या चाहिए? फुल फॉर्म बोल। डायरेक्टर बनने के लिए चाहिए डिन। डिन का मतलब होता है डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। है तुम्हारे पास? कैसे बनोगे डायरेक्टर? है कि नहीं? बेसिक है, बेसिक नेसेसिटी, इसके बिना तो डायरेक्टर बन ही नहीं सकते, गरी ना पॉइंट। तो आज जाके डिन के लिए अप्लाई करने का, 500 रुपया रखता है, 500-700 रुपया, जाने का DIR 3 करके एक फॉर्म है, भर देने का, भर दो, एक महीने में डायरेक्टर हो, डिन मिल जाएगा, डायरेक्टर नहीं बनोगे डिन मिल जाएगा, फिर डायरेक्टर बनना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। पैन कार्ड है? पैन कार्ड, इनकम टैक्स भरते हो? फिर नंबर तो तुम्हारे पास है, पासपोर्ट है? पासपोर्ट, तो क्या इंटरनेशनल ट्रिप मारते रहते हो? समझा? इट इज अ नंबर, ऐसे दे रहे थे तो मैंने ले लिया, जैसे पैन कार्ड मिल रहा था तो ले लिया, भले पैन कार्ड इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ एनीवेयर, इट इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, अपन टैक्स भी नहीं भरते, फिर भी लिया, क्यों? पापा ने बनाया, ले लिया, है कि नहीं? वैसा पासपोर्ट वो सिम कार्ड लेने को काम आता है, और क्या है, ट्रिप मारा तो मारा, ये वैसा ही रही। तुम्हारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट नंबर है, इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा, बरोबर, इतने सारे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर तो है तुम्हारे पास, एक और की फर्क पड़ता है, समझा? दिस इज योर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला सवाल अपना ये आता है कि ये देता कौन है, कहां से मिलता है ये? आइए, नंबर चाहिए तो किधर तो भी एप्लीकेशन देना पड़ेगा ना, तो किसको दोगे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, क्या नाम मैडम? नाम सोच रहे? क्या नाम है? चन्नम्मा, CHANN चन्नम्मा, ओके। चन्नम्मा के हिसाब से MCA,
दिन देता है। और कोई ऑप्शन ऐसे ही कुछ दिमाग में आ रहा हो तो पूछ रहा हूं मैं। आरोसी, क्या नाम मैडम? साक्षी। साक्षी के हिसाब से आरोसी दिन देता है, बाकी सब मतलब ऐसा आएगा दिमाग में बोलने का, सत्यनारायण का कथा नहीं चल रहा है इधर। अच्छा कितने लोगों को लगता है एमसीए, खाली हाथ तो ऊपर करो, तकलीफ दो थोड़ा, ऐसा बेटर हो गया तो नींद आया करे, हाथ हिलते दुलते रहने से। एमसीए एमसीए कितने लोग, हाथ ऊपर हाथ ऊपर ऊपर मतलब ऐसा ऊपर होता है। एक दो तीन चार पांच छह। अच्छा आरओसी कितने को लगता है? आरओसी 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 एक, बाकी सेंट्रल। अच्छा बोलना, तीसरा ऑप्शन भी है ले, सेंट्रल गवर्नमेंट, गजब। और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कितने को लगता है? तेरे को फीलिंग्स है? कुछ नहीं लगता है? नीचे दुकान में मिलता है? कोई तो होगा ना यार देने वाला। तो चौथा नाम बोलेगा तो भी मैं लिख देगा एमसीए में भी। चलो ठीक है, दम समझो, थोड़ा सा लॉजिक पे आते हैं, ठीक है। डायरेक्टर कौन बन सकता है? क्या कोई भी बन सकता है? मतलब कोई तो बोला था इधर से, कुछ तो बोला था, इंडिविजुअल बन सकता है। मतलब कैन आई से अ कंपनी कैनॉट बिकम अ डायरेक्टर? कभी सुना है क्या रिलायंस में टाटा डायरेक्टर है? नहीं ना। कैन अ कंपनी बिकम अ शेयर होल्डर? ऑब्वियसली ना, तो होल्डिंग सब्सिडियरी कैसा बनेगा, है कि नहीं? हाँ, तो ओनली एन इंडिविजुअल कैन बिकम अ डायरेक्टर, कंपनी कैन नॉट बिकम डायरेक्टर। ओके, इतना तुमको आता है तो कंफ्यूजन होने ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी हुआ, तो अपन सॉल्व कर देते एक बार, ठीक है। ये जो है ना, ये कंपनी है और ये जो है इंडिविजुअल है, ठीक है। तुमने जो नाम दिए उनको एनालाइज करते हैं। पहला ध्यान से सुनना, ध्यान से। सैमसंग के शोरूम में जाके, सैमसंग का जो प्रायोरिटी डीलर ऑथराइज्ड डीलर शोरूम होता है ना, सैमसंग के शोरूम में जाके मोटरोला का फोन मांगा तो मिलता है क्या? मारुति सुजुकी के शोरूम में जाके महिंद्रा का गाड़ी मिलता है क्या? मिलता है? नहीं मिलता। इतना मालूम है तुमको, ठीक है। ये कौन है? ये कौन है? ये किसकी सुनेगा? इसकी सुनेगा, इसकी सुनेगा, कंपनी की सुनेगा, है कि नहीं? इसकी सुनेगा? तुम बोलोगे मेरे को डीन चाहिए, मेरे को डीन चाहिए, मेरे को डीन चाहिए। तुम इंडिविजुअल हो ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है और डीन कंपनी को तो मिलता ही नहीं है। तुमने बोला कंपनी कैन नॉट बिकम डायरेक्टर, कंपनी कैन नॉट बिकम डायरेक्टर, तो डीन कहां से मिलेगा? समझा? तो ये ऑप्शन कैंसर। दूसरा कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ, बराबर। तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट, नाम में सेंट्रल, सबका मालिक एक है, क्या नहीं? समझा कुछ? ठीक है, तो
ये ध्यान में रखना. दूसरी चीज जो कंफ्यूजन अगेन नहीं होना चाहिए था बट तुमको हुआ, फिजिक्स में भी नहीं स्ट्रांग हो या भूल गए बचपन में पढ़ा हुआ, इसीलिए ये जो है ना बिल्डिंग, ये एमसीए का बिल्डिंग है, ठीक है. इसमें बहुत सारा अलग 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 ऑफिस होता है, कॉर्पोरेट्स, बहुत सारा अलग अलग डिपार्टमेंट्स वगैरह होता है. उसमें से एक होता है, समझा, एक ही आत्मा है. आरओसी बोला तो एमसीए के अंदर ही आता है, और एमसीए बोला तो उसी के अंदर आरओसी आता है, तो दोनों को अलग करने का कोई जरूरत नहीं है. गेटिंग द पॉइंट. एमसीए में कॉर्पोरेट होता है, कंपनी छोटा है, कॉर्पोरेट बड़ा है. सेक्शन दो में देखने का डेफिनेशन दिया है, कंपनी का भी दिया है, कॉर्पोरेट का भी दिया है, बॉडी कॉर्पोरेट का, समझे, दोनों का डेफिनेशन दिया. पहला बॉडी कॉर्पोरेट मिलेगा, सेक्शन डेफिनेशन देखेगा अभी, अल्फाबेटिकली होते हैं, पहला बॉडी कॉर्पोरेट मिलेगा फिर कंपनी मिलेगा, समझे. तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा. तो ये बड़ा टर्म है, बड़ा, उसमें एक छोटा सा, समझे, क्लियर है, कोई डाउट? चल बढ़िया, थैंक यू सर. हाँ चलेगा, इधर मेरे पास ब्लू कवर वाला ब्लैक पेन भी है. ओके, समझ में आया, ठीक है. तो किसको देना है एप्लीकेशन? सेंट्रल गवर्नमेंट को. सी, कंपनीज एक्ट में ना एक ही माए बाप है, नॉर्मली पप्पा एक ही होते हैं ना, नॉर्मली ये वैसा सीन है. कंपनीज एक्ट में कुछ भी पॉइंट पे अगर अटका ना, पप्पा के पास ही जानेगा, एक ही है, समझे, कोई टेंशन नहीं. जो भी लाइफ का बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होएगा ना, पप्पा के पास ही जाते वैसे भी, समझे. वैसा पहला प्रेफरेंस मम्मी किधर है, ये रे, कंपनी और आरओसी का मम्मी और बच्चे का रिलेशन है. जो कंपनी में होता है मम्मी को सब बताने, समझा, नया कपड़ा लिया तो भी बताएगा, कंपनी में नया डायरेक्टर अपॉइंट किया बता, पुराने को निकाला बता, रिटर्न फाइल करने का बता, प्रॉफिट बता, लॉस बता, डिविडेंड डिक्लेयर किया बता, ऑडिटर बता, नॉमिनेशन कितना आया बता, मीटिंग क्या, मीटिंग में कितना बातचीत किया, क्या बातचीत किया, जितना पंचायत किया सब बता. मम्मी के साथ वैसे ही होता है ना, सब बताने का, समझा. मतलब ऐसा है कि कोई है ही नहीं मेरे साथ बातचीत करने का, तो मम्मी तो है, ये वैसा सीन है, समझा. मतलब कंपनी में तुम जो भी करते हो ना, सब इधर बताने का. फिर जब लगे कि यार सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो पापा के पास जाने का, कंसेप्ट समझा. रियल लाइफ के साथ मैच करो, कंपनी लॉ में कुछ नहीं है, एकदम सिंपल हो जाएगा, ठीक है. एनीवेज, चलो तुमको डायरेक्टर बनना है भाई, तो एप्लीकेशन देना पड़ेगा पापा को. सीजी क्या करेगा? लेगा, देखेगा, पढ़ेगा, सोचेगा, समझेगा, फिर डीन दे देगा. इंग्लिश में उसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ डीन. इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट ऑफ डीन. ओके, अब ये जो डीन अलॉट किया ना सीजी ने ये जो डीन अलॉट किया, ठीक है, कितने टाइम में अलॉट करेगा? मतलब आज तुम अप्लाई करोगे सीजी डीन देना डायरेक्टर बनने का, और चार साल बाद डीन आएगा, चलेगा? नेचुरली नहीं. कितने दिन में? 30 डेज में, यस और नो, ऐसा सोचना भी मत. लेकिन आंसर गलत नहीं है, सही नहीं है, गलत भी नहीं है. क्यों? पुराने एक्ट में 30 डेज ही था, पुराने मतलब 56. 2013 में चेंज हो गया. पहले जो ये ऐसा 30 डेज लिखते थे ना, अब चेंज हो गया. चेंज करके उन्होंने क्या किया? 1 month. क्या चेंज किया? बहुत बड़ा चेंज है, दिखता छोटा है. जितना छोटा दिखता है ना, उतना भयानक चेंज है. 30 डेज में लफड़ा होता है. पहले तो मालूम होना चाहिए महीने में दिन कितना है, कि नहीं? 30 या 31, उसमें फेब्रुवरी आ गया तो लफड़ा. 28 गिनूंगा, 29 गिनू, समझे. साल के बीच में से अगर डेट डाल दिया कोई 15 फरवरी के, 15 फरवरी एग्जाम में फरवरी डालते जानबूझ के,
पर ईयर फिर 10 मिनट तुम सोचने में बिगड़ोगे यार लीप ईयर है कि नहीं, समझा? एग्जाम ऐसा करके बैठता है। हाँ 31 31 31 क्लास में देखना आजू बाजू सब यही कर रहे रहते हैं, समझा? तो ये प्रॉब्लम ही सॉर्ट हो गया जब इसको रिप्लेस करके वन मंथ डाल दिया। वन मंथ का मतलब क्या होता है पता है? वन मंथ का मतलब होता है वन मंथ, इस महीने का 6 तारीख मतलब अगले महीने का 5 तारीख खत्म। मास महीने में दिन कितना, तेरे को क्या करने का? मंथ बोला ना, तो मंथ उसी को बोलते हैं, समझा? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो सॉल्व हो गया। तो याद रखना है वन मंथ, 30 डेज नहीं, क्लियर है? ठीक है, तो मैं आज एप्लीकेशन देता हूं सीजी को, सीजी सीजी मेरे को डायरेक्टर बनने का डीन चाहिए, ठीक है? सीजी एक महीने के अंदर अंदर डीन अलॉट करेगा, नहीं किया तो, नहीं किया तो क्या तुम क्या उखाड़ लोगे रे सीजी का? कुछ उखाड़ सकते हो? नहीं। लेकिन सीजी क्यों अलॉट नहीं कर रहा है इसका रीजंस देगा तुमको राइटिंग में, ठीक है? रीजंस देगा इन राइटिंग का मतलब क्या होता है? रीजंस देगा का मतलब यहां पे ऐसा होता है कि तुमने जो एप्लीकेशन दिया ना उसमें कुछ एरर है, और कोई रीजन नहीं है डीन नहीं देने का, ठीक है? तुम ऑलरेडी डिफॉल्टेड पर्सन हो अगर, जो डायरेक्टर बनने के लायक ही नहीं है, तो बात अलग है। वो भी चीजें लिख के देगा, यू आर ना लायक फॉर बिकमिंग डायरेक्टर। लेकिन अदरवाइज तुमको रीजंस देगा इन राइटिंग, और रीजंस देने के बाद तुमको 15 दिन का टाइम देगा, जा रेक्टिफाई करके लेके आए एप्लीकेशन। 15 दिन में तूने रेक्टिफाई करके नया एप्लीकेशन फाइल किया तो सीजी बोलता है लेट इन, नहीं दिया एप्लीकेशन डिसमिस, समझा? कुछ पक्का? ठीक है बोला कहां से? हाँ एक महीना, सीजी विल अलॉट द डिन विद इन वन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो तुमने रेक्टिफाई करके एप्लीकेशन ही दिया ना वापिस, एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन ही है ना। चल इतना समझा, ठीक है? इसी चालू है क्या? मतलब चालू है या खाली फ्लैप खुला है? चालू है। तुमको ठंडी लग रहा है? बुखार है? चलो चलो, नहीं ठीक है चलेगा। ओके तो खाते बन, हाँ डिन। अब डिन की जो बात होती है ना, इसमें सीन कैसा है कि मैंने अप्लाई किया, सीजी ने महीने भर में अलॉट कर दिया, ठीक है? फिर क्या कंपनी को इंटीमेट करूं? लेकिन नहीं, रुक 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 रुक, इंडिया में ना थोड़ा फ्रॉड तो करते हैं, फ्रॉड के बिना अपने को इंडिया में मजा नहीं आता, समझा? जैसे सोच तुम्हारे पास 2 रजिस्ट्रेशन नंबर है एग्जाम का, पहला रजिस्ट्रेशन नंबर से 3-4 अटेम्प्ट दे दिया, एकदम फॉर्मेट वॉर्मेट बराबर समझ लिया, फिर अब की बार जो तुमने फॉर्म भरा नया रजिस्ट्रेशन नंबर से भरा, फर्स्ट अटेम्प्ट पास, इंटरव्यू देने को गया, उसने पूछा सीएस, यस विच अटेम्प्ट, फर्स्ट, ले रजिस्ट्रेशन नंबर, जा चेक करके आ। उसने इंस्टीट्यूट में इंक्वायरी करवाया, सच में फर्स्ट अटेम्प्ट ही दिख रहा है कि नहीं? मैं इंटरव्यू लेने बैठा था, एक आदमी डायरेक्टर बनने का है, बोला योर नेम, मेरे को बोलता है विजय माल्या, बोला आप तो, बोले एनीवेज आपका डीन, तो उसने डीन दिया, बोला आज के पहले कितनी कितनी कंपनीज में आप डायरेक्टर थे, बोले फर्स्ट, बोला पॉसिबल है सर मैं जानता हूं, देखा हुआ है, बोले नहीं आरओसी के साइट पे जाके चेक कर लो, साइट पे जाके चेक किया, फर्स्ट, ऐसे मल्टीपल डिन्स लेके घूम रहा था, समझा? तकलीफ होएगा ऐसा, क्या जबरदस्त फ्रॉड हो सकता है, सोच, गेटिंग द पॉइंट? तो ये फ्रॉड, ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये क्या बोलता है, जो कंपनी को इंटीमेट करने का पॉइंट बोला ना तुमने, कंपनी को इंटीमेट वो करने का ही है, लेकिन उसके पहले ये जिसको डीन दिया ना पापा ने, उसको बोलेंगे कसम खा पहले कसम। क्या कसम खाने का? मैं कसम खाता है मैं एक से ज्यादा डीन
ना तो लेगा मतलब नहीं मांगेगा और तुम देगा तो भी मैं नहीं लेगा, समझा? कसम इंग्लिश में खाना पड़ेगा, लेकिन सुन इंग्लिश में. प्रोहिबिशन ऑन ऑब्टेनिंग और पजेसिंग मोर देन वन डिन. लैंग्वेज का खेल समझ. प्रोहिबिशन ऑन ऑब्टेनिंग और पजेसिंग मोर देन वन डिन. ऑब्टेनिंग का मतलब मैं ऑब्टेन नहीं करेगा, तूने गलती से दे भी दिया तो मैं पजेस नहीं करेगा, समझा? एक्ट बनाने वाले का दिमाग है दिमाग, वो क्या बोलता है, गवर्नमेंट ने गलती से दो डिन दिया ना, गवर्नमेंट का गलती नहीं है, तुम्हारे पे ऑब्टेन और पजेस नहीं करने का प्रोहिबिशन. तुमने ऑब्टेन किया या तुमने पजेस किया तो गलती तुम्हारा होगा, दो डिन आया तो दूसरा वाला सरेंडर कर तुरंत, समझा? कुछ पक्का? प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिशन, अच्छा रेस्ट्रिक्शन. रेस्ट्रिक्शन मतलब नहीं कर सकते, प्रोहिबिशन मतलब नहीं कर सकते. रेस्ट्रिक्शन मतलब कभी कभी कर सकते हैं. ठीक है, और कुछ बता, और कुछ मतलब कुछ तो है ना रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन के बारे में. हाँ बोला. ठीक है, सुन थोड़ा सिंपल भाषा में बताता हूं. रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है, रास्ते पे जाओगे ना सब बोर्ड दिखता है बिल्डिंग पे बाहर अलग अलग जगह पे, ट्रेसपासिंग इज प्रोहिबिटेड, ट्रेसपासिंग इज रेस्ट्रिक्टेड. मतलब क्या होता है, सिंपल, ट्रेसपासिंग इज प्रोहिबिटेड का मतलब गलती से भी अंदर जाना मत, समझा? समझा, ट्रेसपासिंग इज प्रोहिबिटेड का मतलब गलती से भी अंदर जाना मत. ट्रेसपासिंग इज रेस्ट्रिक्टेड का मतलब उधर वॉचमैन बैठा है उसको पूछ फिर अंदर जाना, पूछे बिना जाना मत. रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है अलाउड विथ अप्रूवल्स, प्रोहिबिशन का मतलब होता है साक्षात सेंट्रल गवर्नमेंट धरती पे आके तेरे को बोले बेटा कर, तो भी उसको बोल नहीं पहले एक्ट में अपॉइंटमेंट ला, समझा? रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है सीजी के पास पावर है अप्रूवल देने का, वो पावर यूज नहीं करता तब तक रेस्ट्रिक्टेड. प्रोहिबिशन का मतलब इसके पास भी पावर नहीं, डिफरेंस समझा गया? पक्का? रेस्ट्रिक्शन के बदले प्रोहिबिशन यूज नहीं करने का. प्रोहिबिशन के बदले लॉ में ना वर्ड्स पे, वर्ड्स का ही गेम है, इट इज अ गेम ऑफ वर्ड्स, आई कॉल इट अ गेम ऑफ वर्ड्स. ठीक है, वर्ड इधर से उधर हुआ तो तुम्हारा जिंदगी खत्म. एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल सैंपल बताओ. ये देख, अरे मतलब एक्ट तो पढ़ा होगा ना यार, मतलब बता दो. तो ये कैसे मालूम पड़ेगा आगे पीछे क्या है? अरे कुछ नहीं, एक्ट ही लिखा है. इसका मतलब क्या होता है? एक और लिखो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. समझा? कोई भी आंसर लिखते टाइम ये लिख दिया ना, यू आर टॉकिंग अबाउट एन एक्शन नॉट अ लॉ. एक्ट वो कानून है, थोड़ा इज्जत दो, बड़ा लिखने का. समझा? अपने को ध्यान नहीं रहता है पेपर लिखते टाइम, अपन ऐसा लिख के आ जाते हैं. अपने ओके इंस्टीट्यूट को भी ध्यान नहीं रहता है मॉड्यूल में कितनी बार मिलेगा ऐसा, मिलता है, होता है. समझा? तो इट इज रॉन्ग बिकॉज इंग्लिश है, इट इज अ फनी लैंग्वेज, एवरीबडी नोज इट. लेकिन हर वर्ड लिखने का, बोलने का, समझने का तरीका होता है, ये मीनिंग चेंज होता है. पेपर चेक करने वाले के पास दिमाग होगा ना,
इसका तो मार्क्स नहीं देगा, एटलीस्ट मेरे जैसा बंदा तो नहीं देगा, उधर ही काटेगा। प्रोफेशनल बन रहे यार, प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव वाले फाउंडेशन वाले करे तो समझ में भी आता है, तुम लोग कदापि नहीं। समझा? पक्का? तो डायरेक्टर बनेगा ना तुमको। चल, पहले एप्लीकेशन दिया दिन के लिए, सीजी ने अलॉट किया, कितने टाइम में अलॉट किया? वन मंथ में अलॉट किया। वन मंथ में अलॉट नहीं हुआ तो रेक्टिफिकेशन का इतना टाइम, 15 डेज। अच्छा अलॉट हो गया, चल पॉजिटिव सोचते, अलॉट हो गया, फिर किसको? अरे पहले कसम तो खा। प्रोहिबिशन ऑन ऑब्टेनिंग पोजेसिंग मोर देन वन डिन, कसम खा लिया एक से ज्यादा नहीं लूंगा। ठीक है, अब इंटीमेट कर किसको? कंपनी को। कंपनी इंटीमेट करेगा किसको? आरओसी को। इतना पता है? चल तो मेरे को एक और बात बताओ, कंपनी आरओसी को इंटीमेट कर रहा है, ठीक है, और ये तुम हो डायरेक्टर जो कंपनी को इंटीमेट कर रहे हैं। लॉ में क्या लिखा बताया क्या? लॉ बोलता है द डायरेक्टर, द पर्सन हु वॉन्ट्स टू बिकम डायरेक्टर मस्ट इंटीमेट द कंपनी विद इन वन मंथ, द कंपनी मस्ट इंटीमेट द आरओसी विद इन, सिंपल। मेरा एक ही सवाल है, क्यों? ही मस्ट इंटीमेट कंपनी वन मंथ, कंपनी मस्ट इंटीमेट आरओसी, प्रोविजन साथ में बना है, इसको एक महीना और इसको 15 दिन क्यों? इसको 15 क्यों नहीं? इसको एक महीना तो इसको एक महीना क्यों नहीं? या इसको एक 15 दिन और इसको एक महीना, ऐसा क्यों नहीं? अगर सेक्शन नंबर 1 है और सेक्शन 200 है तो समझ में भी आता है कि 200 बनाते टाइम नहीं मालूम था 1 में क्या लिखा है, ये तो बाजू बाजू में कुछ तो लॉजिक होना चाहिए ना। कंपनी टू आरओसी, डायरेक्टर को जल्दी नहीं बताना चाहिए कंपनी को? बोलो, ऐसा पढ़ा नहीं था क्या बचपन में? पढ़ा था? अच्छा, ऐसा क्यों नहीं पढ़ा था? वन मंथ 15 डेज पकड़ के आगे चलना है, ऐसा समझ है? समझ है ना? फिर ठीक है। ऐसा लगा कि सर थोड़ा फास्ट करो तो बोलना, फास्ट भी कर सकते अपन, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। नहीं ऑन है, मैं टॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। आई एम टीचिंग फॉर योर एग्जाम्स, सो आई एम विलिंग टू टीच एज पर योर कम्फर्ट। तुम बोलोगे सर 40 घंटे में खत्म कर दो तो मैं 40 घंटे में खत्म भी कर देगा, तुम बोलोगे सर 80 घंटे तक खींचो तो मैं खींचेगा भी, समझा? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कराऊंगा उतना ही, स्पीड चेंज होएगा। ये स्पीड ठीक लग रहा है तो ठीक है, अब ये एक्सप्लेनेशन का स्पीड थोड़ा फास्ट या स्लो कंसेप्ट के हिसाब से हो सकता है, लिखने का स्पीड स्लो से स्टार्ट होगा, फास्ट फास्ट फास्टर फास्टर फास्टेस्ट, मतलब जो पॉइंट पर तुम्हारा हाथ दुखने ना लग जाए और हाथ तुम पेन ना छोड़ देना, उस स्पीड तक जाएंगे अपन। क्यों पता है? खाली पढ़ाने का काम थोड़ी पढ़ा तो मैं सब दूंगा, फिर क्या 3 घंटे में पेपर कैसे खत्म होएगा? पढ़ना तो ठीक है, तुम्हारा पढ़ना तो प्रोविजन समझा दिया तुमने, घर पे जाके पढ़ लिया, आता सब है लेकिन पेपर खत्म नहीं होता, आता है उसका फायदा क्या? इसलिए तो लिखना है ना, खुद की हैंडराइटिंग भले कितनी बकवास हो लेकिन खुद की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ एक तो याद रहता है, और दूसरा वी हैव टू प्रिपेयर फॉर राइटिंग द होल 3 आवर्स ऑफ पेपर इन अ सिंगल हैंडराइटिंग। अपना स्टार्ट अलग होता है, लास्ट का आधा घंटा तो मतलब अपन डेर देते हैं उसको, पढ़ के बता,
समझे, तो 3 घंटा कॉन्स्टेंट लिखने का एक स्पीड होना चाहिए, वो तो प्रैक्टिस से होता है। और लॉ में डायरेक्ट बुक से करो तो मेरे को तो पता है कि तुम कितना लिख के प्रैक्टिस करने वाले हो। उन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी तुम तो कैलकुलेटर पे करते हो, तो थियोरी तो प्रैक्टिस करोगे, समझे। एनीवेज बोलो भाई क्या है रे, 1 month और 15 days। सब कुछ आ रहा है दिमाग में तो बोलने का, बिंदास पहले ही बोला मैंने। पहले तो ये सोचो कुछ लॉजिक होना चाहिए या ऐसे ही डाला होगा, होना चाहिए ना कुछ। अगर ये प्रोविजन मतलब जैसे मैंने बोला एक सेक्शन 1 में और दूसरा 200 है ना, तो अपन बोल सकते थे ऐसे ही डाला है, एक ही सेक्शन है, नंबर टाइम दे रहेगा तो दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन देखो साथ में है रे, साथ में तो अलग अलग टाइम क्यों दिया है, तो दोनों को इंटीमेशन है। मैं कंपनी को इंटीमेट करेगा, कंपनी यार से को इंटीमेट करेगा, इंटीमेट इंटीमेट करने का तो फिर टाइम अलग अलग क्यों। प्रोसीजर क्या, ईमेल पे दिस इज माय डीन सेंड, हो गया प्रोसीजर ना। तो कंपनी को उल्टा प्रोसीजर रहता है ना, आरओसी का फॉर्म भरना पड़ता है इंटीमेशन का। डायरेक्टर क्या, mukesh.ambani@reliance.com, दिस इज माय डीन, नंबर डाला, सेंड, हो गया सेंड। तो मन में बात करते थे, बोल गलत तो कर, वैसे किसको आता है इधर, तू बोल। डीन आने के बाद 1 month होता है, एप्लीकेशन के बाद 1 month थोड़ी होता है। अरे मैं तो बताऊंगा, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो अच्छा लगता है, बाकी ऐसे ही पड़ा रहता है दिमाग बेचारा, जंग खा जाता है। हो गया, है कोई ट्राई करना है किसी को? चल मैं बताता हूं, देख इस बात का 2 लॉजिक है। एक अपना इंटरप्रिटेशन टाइम पास वाला लॉजिक, जो अपन अपना मन मनाने के लिए सैटिस्फाई, ये लॉजिक होगा, एक वैसा वाला लॉजिक है जो सुन के तुमको लगेगा हाँ यही लॉजिक होगा। और दूसरा एक्चुअल लॉजिक है, ठीक है। तो पहला जो तुम्हारा मन मानेगा वैसा लॉजिक बताता हूं। एक डायरेक्टर 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, उसको 20 कंपनीज को इंटीमेट करना है, और उन 20 कंपनीज को तो अपने रिस्पेक्टिव एक एक आरओसी को इंटीमेट करना है। इसलिए डायरेक्टर को 20 कंपनी को इंटीमेट करना है तो ज्यादा टाइम है, और उन कंपनीज को अपने एक एक आरओसी को इंटीमेट करना है तो कम टाइम है, समझा। लेकिन 20 कंपनी को इंटीमेट करना है तो कंपनी टू कंपनी जाके थोड़ी इंटीमेट करने वाले। दिस इज माई डीन, मुकेश अंबानी से लेके राहुल बजाज से लेके बिरला से लेके जितनों को भी ऐड करना है, सीसी बीसीसी मार्क करके सेंड। मेरे को तो डी नहीं देना ना, एक साथ 20 को अप्लाई सेंड हो सकता है ना, तो फिर 1 महीना क्यों, समझे। अब आते अपन एक्चुअल लॉजिक पे। एक्चुअल लॉजिक इधर ऐसा है कि ये कौन सा लॉ पढ़ रहे थे अपन, कंपनी लॉ, कंपनी लॉ पढ़ रहे, तो कंपनी लॉ के प्रोविजन कंपनी के ऊपर स्ट्रिंजेंट होने चाहिए कि इंडिविजुअल्स के ऊपर। कंप्लायंस टाइम टू टाइम क्विकली ऑन द टोज रख के किसको करवाने का है, कंपनी को या इंडिविजुअल को, समझा। इससे मालूम पड़ता है ये कंपनी लॉ है, क्योंकि कंप्लायंस तो दोनों को करना है, लेकिन कंपनी लॉ है उसका स्पेसिफिकेशन कैसे पता, कंपनी को जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि तू कंपनी है, समझे।
और ये खाली मेरे कहने से नहीं होता, इसका सबूत है मेरे पास। सबूत क्या होता है? सबूत, सबूत देख। सबूत इसमें ऐसा है कि अगर किधर गया, ये कंपनी ने 15 दिन में इंटीमेट नहीं किया, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑन कंपनी ऑन ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ऐसा उधर नहीं बोला मैंने, इधर बोला मैंने 25,000 से लेके 1,00,000, 25,000 से लेके 1,00,000 अलग अलग है। मतलब 50,000 का पेनल्टी मारा तो 25 तू भर, 25 मैं भरेगा, ऐसा नहीं, 50 तेरा 50 मेरा, समझा? पक्का क्लियर हुआ? ठीक है। अब देख, पहले तो तुमने अप्लाई किया, उसने अलॉट किया, अलॉट किया तो कसम खाया, कसम खा के इंटीमेट किया, इंटीमेट के इंटीमेट किया तुमने कंपनी को, कंपनी ने आरओसी, ठीक है, खेल के हो गया सब, इंटीमेशन इंटीमेशन सबको मालूम पड़ गया, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है? अब वो क्या बोलता ना, अब वो बोलता है, अब सबको ही मालूम हो गया, इंटीमेशन तो हो गया, मतलब पक्का पता है तू डायरेक्टर बन चुके हो। तो अब वो क्या बोलता है कि जहां जहां डायरेक्टर की कैपेसिटी में साइन करेगा ना, उधर डीन लिखने का। इंग्लिश में सुन, इंग्लिश में, फर्निश योर डीन वेर एवर यू साइन इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर। क्या बोला? फर्निश योर डीन वेर एवर यू साइन इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, समझे? ठीक है, मतलब कि तुम अगर अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए आईफोन एक्स ले रहे हो और 1,00,000 रुपए का चेक साइन करके देते हो, उस पर डीन लिखना है। कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को मोबाइल फोन दिलवाते हैं, डीन लिखना पड़ेगा, कंपनी का खर्चा है, डायरेक्टर की कैपेसिटी में तुम साइन कर रहे, समझे? तो वहां पर डीन देना पड़ेगा। क्लियर हुआ? सिंपल। अच्छा, अब ये प्रोविजन क्या होता है ना, एक आता है पेनल्टी, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा वाला पेनल्टी, लॉजिकल पेनल्टी है। मतलब ये कंपनी ने ऐसा डिफॉल्ट किया तो पेनल्टी मारा ना मैंने, ये डायरेक्टर डिफॉल्ट करेगा तो क्या छोड़ देंगे उसको? तो डायरेक्टर के लिए तीन तरह के पाप हमने आइडेंटिफाई किए यहां पे। पहला पाप, बिना डिन लिए डायरेक्टर बन गया, सबसे बड़ा पाप, बिना डिन के डायरेक्टर, मतलब ओ शिट हो गया ये तो एकदम। दूसरा, कसम नहीं खाया, मतलब एक से ज्यादा डीन ऑब्टेन किया या पोजेस किया। और तीसरा, इंटीमेट नहीं किया, समझा? तीसरा जो इंटीमेट करना था वो इंटीमेट नहीं किया। पहला बिना डीन के डायरेक्टर बना, दूसरा प्रोहिबिशन वाला पॉइंट तोड़ दिया, कसम नहीं खाया, और तीसरा इंटीमेट नहीं किया। ये तीन में से कोई भी, तीन में से कोई भी पाप किया यदि डायरेक्टर ने, तो उसको पेनल्टी मारेंगे। पेनल्टी कौन सा मारेंगे अपन देख, पेनल्टी है पहले तो फाइन अप टू 50,000 प्लस 500 रुपया पर डे, जब तक तुम्हारा पाप चलेगा, जब तक तुम पेनल्टी नहीं भरते उतने दिन का, और इसी के साथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months फ्री, समझे? क्लियर? कौनो डाउट? श्योर? किसी को पूछना है? चलो एक बार प्रोसीजर देखते हैं, फिर थोड़ा सेक्शन पे आते हैं। प्रोसीजर क्या था? सबसे पहला अप्लाई टू, दूसरा अलॉटमेंट बाय, विद इन नहीं किया तो रेक्टिफाइड 15 डेज के अंदर, ठीक है। फिर प्रोहिबिशन ऑन, फिर फर्निश योर डिन वेरेवर यू साइन इन द कैपेसिटी ऑफ
director. Fair? Yeah, na? Penalty. Simple. Dekh. Section bata do. Section kaisa hai na iska? Ekdam sequence mein. Pehla ek section hai, section kramank 152. ये सेक्शन क्या बोलता है? ये बहुत कुछ बोलता है, बहुत बड़ा सेक्शन है, ठीक है? सात पॉइंट है इसके अंदर, सात पॉइंट। लेकिन इसमें ना एक पॉइंट है जो ये बोलता है कि डायरेक्टर बनना है तो डीन होना चाहिए, ठीक है? तो एक पॉइंट को करीब पकड़ के चलते हैं, डायरेक्टर बनना है तो डीन होना चाहिए। तो 152 ने बोला डायरेक्टर बनना है तो डीन होना चाहिए, तो मैं बोला कैसे मिलेगा? बोला 153 में अप्लाई कर, इधर देख, 153 में अप्लाई कर तो 154 में अलॉट होगा, 153 में अप्लाई कर तो 154 में अलॉट होगा, तो 155 में कसम खा कि एक से ज्यादा नहीं लेगा, खाया? बोला खाया। तो 156 में तू कंपनी को इंटीमेट कर, 157 में कंपनी आरओसी को इंटीमेट करेगा, 158 में बोल में साइन करेगा, जिधर जिधर डायरेक्टर की कैपेसिटी में साइन कर, जिधर भी डायरेक्टर की कैपेसिटी में साइन करूंगा उधर फर्निश करेगा। अगर बिना डीन के डायरेक्टर बना, अगर एक से ज्यादा डीन नहीं लिया, ले लिया, अगर इंटीमेट नहीं किया, तो 159 में पेनल्टी। अब तुम बोलो कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग डीन, पूरा लिख देने का एक साथ, जो तुमको आएगा नहीं एग्जाम में, तुमको आएगा इसमें से कोई एक पॉइंट पकड़ के केस स्टडी बना के। एक आदमी था जिसको किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना था और उसके साथ ये हो गया नहीं, ये हो गया नहीं, ये हो गया नहीं, उस वजह से 35 डेज हो गया कि उसने इंटीमेट ही नहीं किया। बोलो क्या करने का? तो पहले लिखने का कि 156 बोलता है कि इतने टाइम में इंटीमेट कर देना चाहिए, लेकिन 156 के हिसाब से उसने इंटीमेट नहीं किया, तो 159 में पेनल्टी मारने का, ऐसा लिख क्या जाने का? समझा? सेक्शन कोट करोगे तो एक मार्क मिलता है, सेक्शन कोट नहीं किया तो मार्क्स कटता है? नहीं, मिलता ही नहीं, देगा तो काटेगा ना। वो पांच मार्क के क्वेश्चन का इवैल्यूएशन ही आउट ऑफ फोर होता है, फिर एक मार्क आउटराइट साइड पे, समझा? मतलब एटलीस्ट फॉर सच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे डायरेक्टर्स हो गया, डिपॉजिट्स हो गया, चार्जेस हो गया, प्रोस्पेक्टस हो गया, जनरल मीटिंग हो गया, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स हो गया, ये जो भरी भरी वाले टॉपिक्स है ना उसमें होता है। बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड हो गया या प्रोसीजर हो गया, उसमें सेक्शन अंदर प्रोसीजर में कोट नहीं किया तो चलेगा, क्योंकि प्रोसीजर में तुम फॉर्म नंबर कोट करने वाले हो, ठीक है? वो अपन करेंगे क्लास में। तो फॉर्म नंबर जब कोट कर दिया तो फिर प्रोसीजर सेक्शन एक आध उड़ गया तो भी कोई टेंशन नहीं, इधर फॉर्म नहीं है तो इधर प्रोसीजर है। फॉर्म चाहिए तो लिख सकते हो, ये DIR3 है और कुछ नहीं है, डीन DIR3 में आते, एक ही सेक्शन, एक ही फॉर्म है उसका, समझे? तो वो लिख सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है? पक्का? श्योर? ये होता है 153 से 159। 152 नहीं है, 152 सेक्शन अलग है पूरा, वो दुनिया ही अलग है, सात पॉइंट वाला। उसमें से तो खाली एक पॉइंट अपन ऐसे समझने को लेकर, डायरेक्टर बनना है तो डीन होना चाहिए, वो भी क्यों लिया? पेनल्टी ने बोला बिना डीन के डायरेक्टर बना, इसलिए 152 को हाथ लगाया, नहीं तो लगाते भी नहीं, समझे? तो डायरेक्टर बनना है तो डीन होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए तो कौन देगा? 53 देगा, 54 में अलॉट होगा, 53 में अप्लाई कर, 54 में अलॉट होगा, 55 में कसम का, 56 में तू इंटीमेट कर, 57 में कंपनी इंटीमेट करेगा, 58 में साइन करने का, 59 में फटके पड़ेंगे। क्लियर है? कोई शाउट, कोई डाउट? पक्का? थोड़ा लिखते हैं, अब चलोगी तो नींद नहीं आएगी। हेडिंग दे देना, डायरेक्टर्स, सेक्शन 149 से 205। सेक्शन 149 टू 205। देखो हेडिंग दिया, हेडिंग ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन सुना? हाँ, अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुमगा ना आज का तो मेरे को पता नहीं क्या सीन है, इन कल से दो पेन लाने का, एक तुम्हारा जो फेवरेट कलर तुम लिखते हो वो, और दूसरा कोई भी अलग कलर का, ठीक है? मैं खुद ही बोलूंगा क्या हाईलाइट करना है,
ठीक है, अपने हिसाब से कुछ हाईलाइट करना मत, तुम्हारे हिसाब से सब इम्पोर्टेंट होता है. अरे एक क्लास में हुआ था, मैंने एक द वे आई स्पीक इट इज ए नॉर्मल पेन एंड रेड पेन, तुम बोले ब्लू से लिखो, ब्लैक से लिखो, ग्रीन से लिखो, मैं रेड बोलता हूँ, मतलब कलर चेंज करने का ऐसा. और आई जस्ट गिव द लिबर्टी कि तुम्हारे हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट लगे अंडरलाइन करके लेके आना कल. अगले दिन देखा पूरा बुक लाल, सर हमारे लिए तो सब इम्पोर्टेंट है. समझे, ये इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है ना, इम्पोर्टेंट का मतलब नॉट दैट दीज वर्ड दीज पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स विच वी आर राइटिंग आर इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट का इंटरप्रिटेशन कैसा होता है, एक अमेंडमेंट है, या दूसरा वो कोई लीगल वर्ड है, या फिर तीसरा रिविजन के टाइम पे टाइम काटने का. रिविजन के टाइम पे तुम 400 पेज भी नहीं पढ़ने वाले, ठीक है, तो ये 200 पेज 250 पेज 300 पेज जो भी है एक बार लिख करके जब दो बार तीन बार रिवाइज करोगे ना मेरे साथ, ठीक है, तो उसके बाद जब तुम पढ़ोगे तो खाली रेड पेन वाला पढ़ोगे, मतलब जो भी तुम्हारा कलर है. एंड ओनली व्हेन यू रीड दोस 3-4 वर्ड्स इन द होल स्टेटमेंट यू विल नो व्हाट इज द स्टेटमेंट. समझे, वैसा लॉजिक होता है. क्लियर? अच्छा, तो सेक्शन, सबसे पहले सेक्शन देखो, सेक्शन नंबर अलग 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 पेन से ही लिखना ऑलवेज, ठीक है, और बाकी का मसाला अलग पेन से डालने का. अच्छा, पहले डालो सेक्शन 153, सेक्शन 153, 153 में देखो, एवरी पर्सन who wants to become a director every person who wants to become a director must apply for DIN to CG along with prescribed fees and in the prescribed form stop. अलग पेन जो भी है तुम्हारा रेड पेन ले लो, जो लोग नहीं लाए हो कल से कर लेना, ठीक है, कल से लेके आना. सबसे पहले इसके अंदर जो एक वर्ड लिखा है तुमने अप्लाई, ठीक है, उसको बादल में डाल दो, बादल बादल बना दे उसके आजू बाजू, डब्बा बादल बॉक्स हाईलाइट. फिर टू सीजी को हाईलाइट कर दो, डब्बे में बादल में डाल दो. Done? Okay. Red pen से उसी के नीचे लिखना amendment. Next point में amendment. Amendment मतलब ये 2017 वाला है. Amendment Act 2017 में आया वैसा. Amendment dash करके लिखो. CG में पूरा amendment point पूरा red से. CG में while allotting DIN under section 154, comma, prescribe any identification number which shall be treated as DIN for the purpose of this act. Done? पक्का.
मतलब क्या है, सीजी क्या बोलता है कि अब इतना सारा नया नंबर किधर से हर बार लेके आएगा वे? तुम्हारे पास पैन कार्ड है ना, तुम्हारे पास आधार कार्ड है ना, पासपोर्ट वगैरह है ना, सब पे अलग अलग नंबर है ना, तो उसी को मैं बोल दूं कि तेरा जो पैन कार्ड है ना वो डिन करके वापर, तो आधार कार्ड है ना उसको डिन करके वापर। सीजी डायरेक्टली ऐसा नहीं करेगा, सीजी क्या करेगा, जो पैन कार्ड का तुम्हारा नंबर होगा ना उसमें आगे या पीछे एक डिजिट ऐड कर देगा या कोई अल्फाबेट ऐड कर देगा और बोलेगा अच्छा ये डिन, समझा। जैसे मेरा जो जीएसटी नंबर है उसमें पैन कार्ड का जो नंबर है पूरा पैन कार्ड का ही नंबर है और आगे पीछे एक एक अल्फाबेट डिजिट ऐड कर दिया, ठीक है, तो हो गया तुम्हारा जीएसटी नंबर वैसा, समझे। तो ये अमेंडमेंट वो लेके आए कि 2017 वाले एक्ट में सेइंग दैट अप्लाई करोगे तो हर बार नया नंबर ही मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, सीजी चाहे तो कोई एग्जिस्टिंग नंबर को भी डिन की तरह ट्रीट कर ऐसा बोल सकता है, समझे। फिर आ जाओ सेक्शन 154 पे, हेडिंग रेड पेन से 154 मतलब, और उसके अंदर मसाला अभी नॉर्मल पेन से, नॉर्मल पेन से लिखो सीजी रेड पेन शैल अलॉट डिन फिर नॉर्मल पेन within 1 month from the date of application, full stop, उसी में next point, if the application is defective, if the application is defective, comma, CG shall require a resubmission of a rectified application, within 15 days. Done. Chala. Pude. 155. Prohibition. Nahi. Pura. नॉर्मल पेन से सेक्शन नंबर लेना रेड पेन से, बस आगे नॉर्मल पेन से। प्रोहिबिशन ऑन ओब्टेनिंग और पोजेसिंग मोर देन वन डिन, नेक्स्ट 150 शिश। एवरी पर्सन हु वॉन्ट्स टू बिकम डायरेक्टर मस्ट रेड पेन इंटीमेट हिज डिन टू द कंपनी, मस्ट इंटीमेट हिज डिन टू द कंपनी, इंटीमेट हिज डिन टू द कंपनी नॉर्मल पेन विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, within 1 month from the date of allotment, full stop. Next 157 every company
every company shall intimate the DIN to the ROC within 15 days from the date of receipt of DIN from director. Within 15 days from the date of receipt of DIN from the director. Full stop. Then, ये तो company वाला है, इसमें penalty भी है, बराबर? तो next line में center में लिखने का penalty for contravention दो parts में divide कर देने का. Next line में center में लिखने का penalty for contravention दो parts में divide कर देने का. दो parts में divide करो, left में लिखो company, right में लिखो officer in default. लेफ्ट में लिखो कंपनी, राइट में लिखो ऑफिसर इन डिफॉल्ट. कंपनी के नीचे 25,000 से 1,00,000, 25,000 से रुपीस डालने का, उधर मिनिमम मैक्सिमम बोलने का नहीं, मिनिमम रुपीस 25,000 से मैक्सिमम रुपीस 1,00,000, ऐसा पूरा लिखने का. 25,000 से 1,00,000 क्या दे, गुटी देगा क्या, पूरा लिखने का पूरा. राइट साइड पे सेम, मिनिमम रुपीस 25,000 से मैक्सिमम रुपीस 1,00,000. Every director red pen must furnish his DIN normal pen wherever he signs in the capacity of a director. Wherever he signs in the capacity of director. 159 penalty. For contravention of red pen section 152, 155 and 156. Penalty for contravention of section 152, 155 and 156. Do parts mein divide kar do. लेफ्ट में लिखो फाइन मिनिमम, नहीं फाइन अप टू रुपीस 50,000, फाइन अप टू रुपीस 50,000, एंड रुपीस 500 per day until the default continues. Rupees 500 per day until the default
continues. Right side pe imprisonment up to 6 months. Right side pe imprisonment up to 6 months. Done? Clear? Ye ho gaya 153 se 159. Done? Sure. आगे बढ़ना है 10 मिनट रुकना है आगे बढ़े चलो अगला एक सेक्शन लेते हैं अगला जो सेक्शन ले रहा इस सेक्शन का नाम है सेक्शन क्रमांक 164 कौन सा है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स ठीक है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर ऐसे कौन कौन से केसेस है जहां पर डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाता है अनसाउंड माइंड रहेगा तो उसको डायरेक्टर नहीं बनाएंगे ऑब्वियसली नहीं बनाएंगे करेक्ट है माइनर माइनर से क्या लेना देना माइनर माइनर से क्या 12 साल का बच्चा भी डायरेक्टर बनता है एमडी नहीं बनेगा डायरेक्टर तो बनेगा ना एमडी बनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है हाँ इंसॉल्वेंट कौन बोला इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंट हाँ इंसॉल्वेंट हाँ बोलो के लिए अच्छा कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी क्या कुछ भी थोड़ी होता है मॉरल टर्पिट्यूड क्या होता है मॉरल टर्पिट्यूड ये सब जानना पड़ेगा ना क्या होता है मॉरल कौन बोला था मॉरल टर्पिट्यूड कौन बोला मॉरल टर्पिट्यूड ठीक है हाँ चलो और बोलो आगे बोलो अनसाउंड माइंड बोल दिया इंसॉल्वेंट हो गया मॉरल टर्पिट्यूड हो गया और बोल उसके खिलाफ कोर्ट में कोई डिस्प्यूट नहीं होना मांगता है बोले तो ऐसा थोड़ी वो तो अपने सब लोग के खिलाफ चल रहे सब डायरेक्टर बोल और बोल If is not allotted आ रही है तो बेस्ट है डी नहीं है तो डायरेक्टर थोड़ी बनेगा बन गया तो डिस्क्वालीफाई है ना परफेक्ट है और बोलो हाँ लेकिन ये तो फिर कंपनी वाला डिफॉल्ट हो गया ना मैं तो अपने अपने पापों की बात कर रहा हूं हाँ वो उस पर आते वो कंपनी के डिफॉल्ट की वजह से आएगा मेरे को अपने पाप बताओ पहले कंपनी के पाप बाद में मोर देन वन वो तो प्रोहिबिटेड है फ्रॉड प्रोहिबिटेड है वो तो लेना ही नहीं है और बोलो बस इतने आरबीआई थोड़ी है सेबी में आता है विलफुल डिफॉल्ट सभी आरबीआई वाले में इधर नहीं और बोलो मैं तो मॉरल टर्पिट्यूड के लिए बोल रहा हूं ना ठीक है ऐसा मॉरल टर्पिट्यूड का मीनिंग नहीं बताया अभी तक हाँ बोल क्या बोल रहा है Then is disqualified, ठीक है बट वो 164 में तो डिस्क्वालीफाइड वो पब्लिक वो नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप वाली कंपनी में डिस्क्वालीफाई होगा यस यस वेरी मच क्या बात और बोलो बोलो
क्या हो गया बस बोल बोल वो कंपनी वाला पाप है, पहले अपने तो खत्म करो। अगर अपने पाप खत्म नहीं हो रहे, अपन कंपनी पे इल्जाम लगा रहे। अरे सर मेरे को बोलना है सर, सेवन इयर्स ठीक है, और पंचायत इधर आगे। अरे तो मेरे को पूछ, मेरे को इधर लोनली फील होता है रे, कोई नहीं इधर। चल अपन डिस्कस करते हैं। पहला तो अनसाउंड माइंड बोला तूने, वो तो डिस्कस क्या करना, पागल है तो क्या बना पॉइंट कर डायरेक्ट, खत्म हो गया। इंसॉल्वेंट, ये इंटरेस्टिंग बोला, इंसॉल्वेंट इज सॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है रे, क्या होता है इंसॉल्वेंट, बैंकक्रप्ट। इंसॉल्वेंसी इन बैंकक्रप्टसी कोड पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इसीलिए हाँ आएगा ना तुमको, आएगा ना इंसॉल्वेंसी। क्या एक्ट का नाम क्या था, कोड का नाम क्या है, एंड बैंकक्रप्ट। इंसॉल्वेंसी और बैंकक्रप्टसी कोड है कि एंड है, मतलब इंसॉल्वेंसी अलग होता है, बैंकक्रप्टसी अलग होता है, ठीक है नहीं। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब बैंकक्रप्टसी नहीं होता है। बोलो अब इंसॉल्वेंट क्या होता है, डेट रिपे करने को पैसा नहीं है, एसेट्स आर नॉट इनफ टू रिपे द लायबिलिटीज, ठीक है नहीं। कंटी ले रहे गले के लिए बोल। इंसॉल्वेंट और कुछ, अच्छा इंसॉल्वेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, तुम इतने बोल रहे हो, बन सकता ना, क्यों नहीं बन सकता। बन सकता है कैन एन इंसॉल्वेंट बिकम अ डायरेक्टर, यस और नो। अच्छा मैंने बोला इसलिए हाँ नहीं बोलेगा, सोचने का, तुमको क्या लगता है और क्या होता है, प्रूव इन। अरे मैं खुद बोल रहा हूं मैं इंसॉल्वेंट हूं, बोलो कैन एन इंसॉल्वेंट बिकम अ डायरेक्टर, आया ना। तो कंपनी इंसॉल्वेंट है ना, वो काय का इंसॉल्वेंट है फिर, वो इंसॉल्वेंट की बात करें यहां पे, तो वो खुद इंसॉल्वेंट है अगर, तो वो डायरेक्टर बन सकता है क्या, बन सकता नहीं बन सकता, ठीक है ना। वन वोट ले रहे, कितनों को लगता बन सकता है, इंसॉल्वेंट होने के बावजूद वो डायरेक्टर बन सकता है, एक दो तीन, कितनों को लगता नहीं बन सकता, ठीक है चलो ओके। एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल क्या नाम मैडम, डी आईपीए के डबल ईपीए, डबल ईपीए, दीपा मैडम, दीपा मैडम का फूलों का दुकान है, फ्लोरिस्ट, और हुआ ऐसा कि मेरे घर पे शादी है, मैंने दीपा मैडम को जाके बोला मैडम मेरे घर पे ना शादी है तो फ्लावर चाहिए डेकोरेशन करने का, तो बोले ठीक है ना कभी चाहिए, तो मेरा आज 17 तारीख हुआ तो 20 तारीख को चाहिए, बोले कितने बजे, मतलब समझो करीब 12:30 के आसपास फेरे होंगे, तो आप 10 बजे तक सब लेके आ जाना,
तो दो घंटे में हम लोग डेकोरेट कर देंगे। बोले ठीक है, कितने चाहिए? एक आध दो लाख के फ्लावर्स लेके आओ, दो ट्रक भर के लेके आना, बाकी हम देख लेंगे, पैसे का टेंशन नहीं है, ठीक है? बोले ठीक है, बड़ा ऑर्डर है, शादी हो गई, फेरे हो गए, विदाई हो गई, कपल निकल भी लिया, रिसेप्शन, दीपा मैडम ने एंट्री मारा, सर फ्लावर, बोला काहे का फ्लावर, बोला आपने मंगाया था ना, मैंने क्या बोला था, 12 बजे के फेरे, 10 बजे लेके आना, बोले हाँ तो अभी 10 तो बज रहे हैं रात के, 12 बजे फेरे ना आपके, तो बोला मैडम वो देखो रिसेप्शन चालू है, खत्म हो गया सब, ठीक है, नहीं चाहिए आपके फ्लावर्स, पूरा फंक्शन बिगाड़ दिया मेरा, दफा हो जाए से। बोले ठीक है, आई डोंट केयर, गिव मी 2 लाख रुपीज, बोला पागल है, कुछ नहीं दूंगा। तो बोले नहीं पैसे तो देने पड़ेंगे, बोला मैं क्यों दू, एक तो मेरा फंक्शन बिगाड़ा, 10 बजे लाना, 12 बजे फेरे है, तुमको ऐसा कैसे लगा कि रात को 12 बजे फेरेंगे, है कि नहीं, इधर 10 बजे के बाद तो म्यूजिक चालू नहीं करने देते हमको, लेके जाओ। ये मैडम ने मेरे पे केस ठोक दिया, मैडम ने मेरे पे केस ठोक दिया कि ये साहब के पास पैसे ही नहीं है, इंसॉल्वेंट है, इसलिए मेरे पैसे नहीं दे रहे, समझा? तो मेरा डायरेक्टरशिप चला गया, समझा क्या? कुछ खाली किसी के केस ठोक देने से थोड़ी मैं इंसॉल्वेंट हो जाता हूं, गेटिंग द पॉइंट? अब तो इन्होंने केस ठोका है तो केस चल रहा है, चलने दो, इंडिया में तो वैसे ही चलते रहते हैं, कितने केस चल रहे, चलने दो। तारीख आएगी, तारीख पे जज मेरे को पूछेगा, अरे क्या तारीख पे, तारीख, ये भगवान, तारीख पे जज मेरे को पूछेगा, सर आपने पैसे दिए? मैं बोला नहीं। क्यों? नहीं है। अच्छा आप इंसॉल्वेंट? मिला। ओ जज भाई सुन जरा, मैंने क्यों पैसे नहीं दिए? ऐसा 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 सीन था, ऐसा 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 हुआ, मैंने फ्लावर ऐसे ऐसे टाइम पे इतने इतने लाने बोले थे, उन्होंने ऐसा ऐसा किया, अब बोल मेरी गलती? जज बोलता है नहीं यार तेरी कोई गलती नहीं है मैडम, गलत बात, कोई पैसा नहीं मिलेंगे, बरोबर, केस डिसमिस हो गया, मैं इंसॉल्वेंट हुआ, समझ में? लेकिन अगर ये ऑर्डर पास होता है दीपा मैडम के फेवर में, फिर तो मैं इंसॉल्वेंट हुआ, है कि नहीं? जज का ऑर्डर है, फिर तो हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर जज का ऑर्डर आया, फिर जज का ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद मैं इंसॉल्वेंट हुआ, उसे कहते हैं, उसे कहते हैं अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। अब जज क्या बोलेगा? ठीक है तो आज से आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किए जाते हो, हम इनको अपॉइंट करते हैं, क्या नाम? सुशील। हम सुशील भैया को अपॉइंट करते हैं, ये कौन है पता है? ऑफिशियल लिक्विडेटर, ठीक है? ये आएंगे आपके घर पे, आपका एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन करेंगे, एसेट्स को बेचेंगे, पैसा रिकवर करेंगे, लायबिलिटीज को रीपे करेंगे। जब आपका बैलेंस शीट 00 पे आ जाएगा, उस दिन से आप डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, उस दिन से आप डिस्चार्ज, अब तो बन सकता हूं ना डायरेक्टर, नए सिरे से जिंदगी स्टार्ट कर सकता हूं ना, ऐसा बोला क्या? इंसॉल्वेंट को डायरेक्टर बनाओगे क्या? नहीं बनाएंगे, मत बनाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी कंपनी, लेकिन वो तो बन सकता है, समझा? तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कैन एन इंसॉल्वेंट बिकम अ डायरेक्टर? अपन तो बिंदास लिख के आते हैं नो, किसने बोला? 164 ऐसा कुछ बोला ही नहीं, 164 ने क्लियर कट वर्ड्स में बोला है अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट कैन नॉट बिकम अ डायरेक्टर। इसका मतलब होता है कि डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट कैन बिकम अ डायरेक्टर, समझा?
आपका क्लियर एकदम. चलो बढ़िया बोला. तुम्हारी गलती, तुमने क्यों बनाया? उसने पर्सनल कैपेसिटी में कोई डिफॉल्ट किया तो उसकी गलती, वो भरेगा. क्यों नहीं करेगा? तो इंस्टॉलमेंट मतलब कुछ तो होगा ना. डायरेक्टर अपॉइंट करोगे तब तुम भिखारी को थोड़ी अपॉइंट करोगे, कुछ तो होगा ना उसके पास. यहां पर इंस्टॉलमेंट का मतलब उसके नाम पे जितना प्रॉपर्टी जो पैसा है वो बिकता है, उसके मम्मी डैडी या भाई बहन के नाम पे जो है वो थोड़ी बिका है. आदमी तो है ना. और जैसे 2000 में केबीसी जब लॉन्च हुआ ना, अमिताभ बच्चन वॉज इंस्टॉलमेंट. तो इंस्टॉलमेंट मतलब वो रस्ते पे थोड़ी आ गया था, उसका डेट इतना सारा बढ़ गया था. फिर केबीसी लॉन्च हुआ, पर एपिसोड 1 करोड़ लिया उसने. जितने एपिसोड चला उतने का डेट था, उतने एपिसोड चला करके पर एपिसोड 1-1 करोड़ लेके भर दिया उसने. समझे? अच्छा, और कौन है अभी? हाँ, इंस्टॉलमेंट देगा ना. ठीक है, इंस्टॉलमेंट में आपके पास एक और वैरायटी है. इंस्टॉलमेंट में कौन सा बताएगा? ये तो क्या, मैडम ने केस किया ना मेरे पे, फिर जज के पास गया ने, फिर बातचीत हुआ ने, प्रूव हुआ नहीं हुआ, इतना मगजमारी. दूसरा केस थोड़ा सॉर्टेड वाला है. क्या बताया? मैं जज के पास जाता हूँ, ओए जज मैं इंसॉल्वेंट है, जल्दी डिक्लेयर कर फटाफट. बोलते क्यों इतना घाई? अरे वो क्रेडिटर पीछे पड़ा, मार डालेगा मेरे को, पैसा ही नहीं मेरे पास, जल्दी मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर, ऐसा स्टिकर लगा दे यू आर इंसॉल्वेंट. तो उस दिन से मैं इंसॉल्वेंट, फिर क्या टेंशन नहीं. समझा? वैसा सीन है. क्लियर हुआ? पक्का? तो इसमें ना इंसॉल्वेंट में यूसी, आईसी और डीआर ऐसा कीवर्ड है. ठीक है, जिसमें सी 2 है और आई 2 है, और सी 3 मेरे को भी दिख रहा है लेकिन वो जानबूझ के मैंने अलग लिखा है. ठीक है, तो यू तो क्रैक हो गया, 2 आई भी क्रैक हो गया, डी का डी अदर डी डिन वाला पॉइंट ये भी क्रैक हो गया. इतना तो क्रैक हो गया, बचा क्या? एक तो ये सी, ठीक है, और ये सी और आर. यू क्या था रे? यू अनसाउंड माइंड. आई आई तो इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंट कर दिया. ठीक है, आर तुमने, डी तुमने बोल दिया डिन. ठीक है, अब सी पे आते हैं. सी में क्या है? सी में ना एक तो है टर्पिट्यूड, बराबर. कोर्ट ने बोला मॉरल टर्पिट्यूड किया तो डिस्क्वालिफाइड. ठीक है, पहले मीनिंग बताओ मॉरल टर्पिट्यूड क्या होता है. सर कुछ मीनिंग तो ना चाहिए ना. तो एथिकली रॉन्ग कैसे हुआ? एथिक्स और मॉरल्स अलग होता है. एथिकली राइट है बट मॉरली रॉन्ग है, उसको मॉरल टर्पिट्यूड बोलेंगे. दैट इज मॉरली रॉन्ग. जैसे एग्जांपल है ना, क्या नाम? श्रेय. श्रेय का एग्जांपल लेते हैं. श्रेय का सीन ऐसा हो गया कि रास्ते से जा रहा था, तो हुआ ऐसा कि इसने देखा कि कोई लड़का है इसी लड़की को छेड़ रहा है. श्रेय भड़क गया, बराबर. तो श्रेय भड़क गया और उधर गया और भाई साहब ने जाके लड़की को बचाया. वो लड़का जो छेड़ रहा था उसको दिया बजा के 2. ठीक है, साइड पे बिठाया. इतने में सब खत्म होने के बाद पुलिस आया. नॉर्मल पुलिस आया और पुलिस आके श्रेय को उठा के लेके गया. श्रेय बोल रहा, अबे पागल लोग, वो आदमी छेड़ रहा था उसको उठाओ, उसको जेल में डालो. पुलिस बोलता है तूने हाथ क्यों उठाया, तूने किसी पे हाथ क्यों उठाया? हमारे सोसाइटी वैल्यूज के हिसाब से किसी पे हाथ उठाना बुरी बात है कि नहीं? लेकिन श्रेय बोलता है मेरे उसूलों के हिसाब से कोई कभी किसी लड़की को छेड़ेगा तो मैं चुप नहीं बैठेगा. ये उसके उसूल है, कैरेक्टर.
समझे. बट वेन यूर उसूल आर सोसाइटी वैल्यूज के हिसाब से रॉन्ग, इट इज नोन एज मॉरल टर्पिट्यूड. समझा. जैसे कि क्या नाम दक्ष, जैसे दक्ष की एक आदत है चोरी करता है. चोरी करता है मतलब जो पॉलिटिशियंस या चोर बड़े बड़े स्कैम वाले लोग है ना, उनके घर पे जाके चोरी करता है और गरीबों में बांटता है. रॉबिनहुड पांडे, ठीक है. अब ये ऐसा काम है दक्ष का, अच्छा काम कर रहा है कि नहीं. एथिक्स के हिसाब से अच्छा काम है, चोरों को लूट के गरीबों में बांट रहा है. लेकिन मॉरल्स के हिसाब से चोरी करना बुरी बात है कि नहीं. इसको क्या बोलता है, मॉरल टर्पिट्यूड. समझे. तो प्रोविजन कोर्ट वाला क्या बोलता है, वेर अ पर्सन इज कन्विक्टेड बाय कोर्ट, वेर अ पर्सन इज कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर तीन कंडीशन. पहला, ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड. दूसरा, एंड इम्प्रिजन्ड फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ्स. नॉट लेस देन म्हणजे मोर देन ऑर इक्वल टू, नॉट लेस देन 6 मंथ्स एंड 3 इयर्स नॉट इलेप्स्ड, सॉरी 5 इयर्स नॉट इलेप्स्ड. 5 इयर्स नॉट इलेप्स्ड मतलब 5 इयर्स नॉट इलेप्स्ड का मतलब क्या होता है, जेल में जाने के बाद 5 साल के निकलने के बाद 5. ऑब्वियसली निकलने के बाद ना, अच्छा 7 साल का जेल मिला अगर, 5 साल बाद जेल में बैठे बैठे डायरेक्टर बनेगा. मतलब हम क्या कह रहे हैं, तू जेल में जा रहे, फिर बाहर निकल, फिर 5 साल तक आम आदमी की जिंदगी जी के बता के तू फिर से जेल नहीं जा रहा है, सुधर चुका है. अगर तू 5 साल तक जेल में नहीं गया तो हम ऐसा मानेंगे कि सुधर गया है, ठीक है, तो तू डायरेक्टर बन सकता है. समझ में. तुम्हारे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, अ पर्सन वॉज कन्विक्टेड फॉर रॉबरी and imprisoned by the order of the court for a period of 8 weeks, ठीक है, and 6 years have elapsed, 4 years have elapsed, 4 years have elapsed, can he become director? Yes or no? अबे आया ना, yes वाले कितने, yes वाले yes, no वाले कितने, no 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 no, क्यों no? तो प्रॉब्लम क्या है. हाँ बोल. 5 इयर्स होना चाहिए, अपने में कितना था, 4 ही था ना अपने में, है कि नहीं. लेकिन 5 इयर्स है इलेप्स्ड कब, आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, है कि नहीं. ये भाई साहब तो 8 वीक्स के लिए थे, वीक महीने से छोटा होता है, छोटा होता है, मालूम है ना, नशीब. 8 वीक मतलब कितना महीना, 2 महीना ना. तो अपन ने कंडीशन क्या बोला, पहला कंडीशन था इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ्स एंड 5 इयर्स नॉट इलेप्स्ड. एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब, एंड का मतलब होता है तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. पहला रॉबरी किया था, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड, बोलो हाँ. दूसरा 8 वीक्स के लिए जेल में गया, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड कैसे रहे सेटिस्फाइड. 8 वीक्स मतलब कितना होता है, आपने क्या बोला नॉट लेस देन 6 मंथ्स का मतलब क्या होता है, 2 महीना 6 महीने से ज्यादा होता है. हाँ नहीं, पका ना, समझा, किसी को शक, साक्षी मैडम, ठीक है, नहीं, किस में, वीक्स और मंथ्स में. नॉट लेस देन 6 मंथ्स मतलब क्या होता है, हाँ तो मतलब 6 महीने से ज्यादा, है कि नहीं. ये 8 हफ्तों तक जेल में था, 8 हफ्ते, कितना महीना हुआ, 6 महीने से ज्यादा होता है कम होता है, तो अपना तो ज्यादा होना चाहिए ना, है कि नहीं. फिर समझा, ये तुम्हारे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, पब्लिक तुम्हारे तरह यस लिख के आता है. हाँ बराबर है, बराबर है, 164 ने बोला बराबर है, कंडीशन भी पूरा लिख के आएगा, समझा, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा.
क्यों? क्वेश्चन ही गलत पड़ा तो. समझा? पक्का? क्लियर है? अच्छा, और क्या है दूसरा? क्या है? सी. एक और सी है ना. दूसरा सी क्या बोलता है? दूसरा सी, दूसरा सी बोलता है कन्विक्टेड बाय कोर्ट. पहला सी क्या था? कन्विक्टेड बाय कोर्ट में तीन कंडीशन, दूसरे सी में भी कन्विक्टेड बाय कोर्ट लेकिन दो नाम. कई के लिए कन्विक्टेड बाय कोर्ट बोला? कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर दो नाम, नेग्लिजेंस और मिसफियंस. नेग्लिजेंस और मिसफियंस. नेग्लिजेंस का मतलब समझता है? नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस मतलब नेग्लिजेंस, लापरवाही. नेग्लिजेंस. मिसफियंस का मतलब बताओ? मिसफियंस इंग्लिश. बोलो. अच्छा, मैं मीनिंग बताकर बोलेगा ओ ये तो हमको आता था. गाड़ी सीधा कर. सर टेकेगा तो नींद आता है, टेकेगा नहीं. बोलो रे बाबा. मिसफियंस फ्रॉड. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसफियंस? मतलब चलो फ्रॉड इज ओके. कोई एग्जांपल? मैं बोलू विंडो ड्रेसिंग सुनेगा? टीमिंग एंड लीडिंग. सत्यम, सत्यम का स्कैम सुना? मिसफियंस मतलब इंटेंशनली मैन्युपुलेटिंग द फैक्ट्स. मिसफियंस सिंपल भाषा में बोले नेग्लिजेंस मतलब गलती से गलती, मिसफियंस मतलब जानबूझ के गलती. समझा? पक्का? क्लियर है? अच्छा, और कौन है? सी. सी बोला था ना पीछे वाले मैडम ने, लास्ट वाले मैडम ने. बोल मैडम वापस. कॉल्स इन अरियर्स हुआ फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन सिक्स मंथ्स देन सच पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर फ्रॉम इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बोलो. कॉल्स इन अरियर्स है ना, कॉल्स इन अरियर्स फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन सिक्स मंथ्स अगर हुआ देन सच पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन इन दैट दैट कंपनी के द कंपनी दैट कंपनी. समझ रहे क्या कुछ? मतलब समझ. अनसाउंड माइंड. अनसाउंड माइंड मतलब एक कंपनी में डिस्क्वालीफाइड या सब में डिस्क्वालीफाइड? इंसॉल्वेंट एक में का सब में? कोर्ट ने बोल दिया तो एक में का सब में? कॉल जिन अरियर्स हुआ तो. समझा? अगर मेरा दीपा लिमिटेड में कॉल जिन अरियर्स है, ठीक है, तो तुम बोलते हो सब कंपनी में डिस्क्वालीफाइड. कल को भी तुमको क्या पंचायत? उस कंपनी में कॉल्स इन अरियर्स है क्योंकि हमारा कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, मेरे को उससे कुछ लेने का है, फिर मेरे को कुछ देने का है, तो हम लोग सेट ऑफ करके सेटलमेंट कर लेंगे. तुमको क्या लेना देना है? तुम्हारी कंपनी में पैसा दिया ना टाइम पे, तुम्हारी कंपनी में डिसीजन देता है ना इज्जत से, फिर क्या प्रॉब्लम है? समझा? पक्का? इसीलिए कॉल्स इन अरियर्स में क्या बोलने का? दैट कंपनी. समझा? डी तो हो गया डिन. डिन नहीं है तो डिस्क्वालीफाइड, डिस्क्वालीफाइड, डिस्क्वालीफाइड. आर बोल. आर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. बस मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए डिस्क्वालीफाइड, ऐसा कहना चाहते हो? नहीं. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए डिस्क्वालीफाइड होता है? मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन? करना? अरे मैं तो बोलता खाली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ही करना चाहिए. भरोसा तो है सामने वाली पार्टी पे. चीटिंग तो नहीं करेगा, प्रायोरिटी तो देगा. और अगर चीटिंग किया भी तो जाएगा किधर? शाम को घर पे आएगा, फोड़ देना है कि नहीं? करना है तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ही करना चाहिए. तो फिर ये आर क्या है?
ये आर का मतलब होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन फ्रॉड, ट्रांजैक्शन करने का उसके अंदर फ्रॉड नहीं करने, फ्रॉड नहीं करना तो गलत बात ना है, समझा? ओके, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करने का, लेकिन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में फ्रॉड नहीं करने का, क्योंकि यहां पर प्रोविजन कहता है कि अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में यदि फ्रॉड किए हुए पाए गए तो उस दिन से अगले 5 वर्षों तक आप डिस्क्वालिफाइड माने जाओगे। अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में फ्रॉड करते हुए पाए गए तो उस दिन से अगले 5 साल तक आप डिस्क्वालिफाइड किए जाए मानोगे। लेकिन 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 अपना इंस्टीट्यूट उल्टा पूछता है, इंस्टीट्यूट बोलता है आज डायरेक्टर बनने का कंडीशन बोल तो तुमको लिखने पड़ेगा पिछले 5 साल में फ्रॉड नहीं होना चाहिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का, समझा? प्रोविजन क्या बोलता है, आज डायरेक्टर, आज अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन फ्रॉड किया तो अगले 5 साल तक डिस्क्वालिफाइड। इंस्टीट्यूट उल्टा पूछता है, बोलते हैं आज डायरेक्टर बनने का, अब बोल, तो बोलेगा पिछले 5 साल में कोई फ्रॉड नहीं होना, समझा? पक्का क्लियर है? तो इसी बात पे मेरे को बताओ रिलेटेड पार्टी क्या होता है। कौन होता है रिलेटेड पार्टी? कौन होता है? कोई तुम्हारा रिलेटेड पार्टी में कौन होता है? मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची मामा सब कुछ तो होगा ना रिलेटिव। बोल दक्ष पानी चाहिए, कौन होता है? बोलो। हाँ बोल, अरे मैं तो पूछ रहा हूँ रिलेटेड पार्टी कौन होता है, तुम तो बोल रहे हो जो नॉट अ रिलेटिव होता है वो रिलेटेड पार्टी होता है, ऐसा कैसा? रिलेशन में पूछ रहे, रिलेशन में, रिलेशन में कौन होता है रे? ऐसा थोड़ी होता है। ये समझ सकते हैं होल्डिंग सब्सिडरी है वो, ठीक है। पांच लाख का फिगर किधर से आया? वन कंपनी ऑडिट आंसर करेक्ट रिक्वेस्ट, जो आंसर ना आपका वो करेक्ट है, जो तुमने बोला ना पार्टनर वाला और कौन सा बोला दूसरी कंपनी वाला और 5 लाख वाला, आंसर करेक्ट है। लेकिन मैं अगर ऑडिटर के रिलेटिव पूछू ना तो मैं तो डायरेक्टर के पूछ रहा हूं, दोनों अलग होते है कि नहीं? अरे नॉर्मल रिलेटिव्स ही बता दो, रिलेटिव में कौन कौन आता है? स्पाउस रिलेटिव होती है, और बोल बोल क्या कोइंसिडेंस है ना, बोलो भाई। और वो स्पाउस ही है क्या खाली? फादर मदर ब्रदर सिस्टर आनी? किसके फादर? तुम्हारे के स्पाउस के? दोनों के फादर मदर? और भाई बहन दोनों के? बच्चे दोनों के होते हैं? हाँ, लिनियल असेंडेंट लिनियल डिसेंडेंट और
भाई बहन तो भाभी जीजू नहीं, वही भाभी जीजू और बस, और क्या ऐड करने उनके बच्चे, वो ज्यादा हो जाएगा नहीं, ठीक है समझो। ये जो डेफिनेशन तुमने बोला रिलेटेड पार्टी का भूल जाओ, आउटडेटेड डेफिनेशन है तुम्हारा, 56 वाला है, हम 2013 में आ चुके, तब ऐसा बोलते थे मम्मी पापा दोनों के, मम्मी पापा ने, भाई ने, भाभी ने, दीदी ने, जीजू ने, लिनियल असेंडेंट ने, डिसेंडेंट ने, बच्चे ने, ये ने वो, खानदान कवर होता था उस टाइम पे। अब तो न्यूक्लियर फैमिली का जमाना है, ठीक है, तो डेफिनेशन भी थोड़ा रिवाइज होना चाहिए। अब डेफिनेशन एकदम आसान हो चुका है, ध्यान से सुनना, एक ही बार बताऊंगा। रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, मतलब के डायरेक्टर की अगर बात करते हो तो रिलेटिव्स में कौन कौन आता है, ये डायरेक्टर है बराबर, स्पाउस तो आएगी, ठीक है, बाकी ऊपर के दो, नीचे के दो, दाएं बाएं, स्पाउस तो है ही है, समझे, ऊपर के दो मम्मी पापा बराबर तुम्हारे, बस नीचे के दो सन डॉटर तुम्हारे, एक ही है, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, सन डॉटर विद देयर स्पाउस, सन डॉटर विद देयर स्पाउस, मदर फादर एक दूसरे के स्पाउस, बराबर, लीगली अडॉप्टेड सन चाल से, लीगली अडॉप्टेड डॉटर ना चाले, नॉट अलाउड, ठीक है, मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे को लुक्स देना मत, लॉ में लिखा है, ठीक है, क्योंकि लॉ में डॉटर अडॉप्ट करना ही पहले तो अलाउड नहीं है, सेफ्टी, वुमन सेफ्टी, समझे, to adopt a daughter you have to go through many procedures and many legal requirements and compliances, tumhare ghar pe koi independent ladki honi chahiye, female member honi chahiye, independent matlab kamaye khud, physically mentally fit ho, theek hai, ye prove karoge tum to tumko shayad allow karenge daughter adopt karne ko, baki woman safety, sorry boss, apna koi izzat nahi, koi bhi leke jao bindaas, समझा, पक्का क्लियर है, एक बार रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में कौन कौन आता है भाई, ऊपर के दो, नीचे के दो, विच स्पाउस, ब्रदर सिस्टर, समझे, क्लियर है, लीगली अडॉप्टेड सन अलाउड, लीगली अडॉप्टेड ब्रदर हुआ, मम्मी पापा अडॉप्ट करते ना कभी कभी चाल से, लीगली अडॉप्टेड सिस्टर पण, वाइफ मदर फादर वो तुमको अडॉप्ट करते, तुम उसको अडॉप्ट नहीं करते, समझे, पक्का, उसमें स्टेप मदर स्टेप फादर होते हैं, समझे, बट उन्होंने तुमको लीगली अडॉप्ट किया होगा तो चाल से, क्लियर है, पक्का, कोई डाउट, समझे, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा यूसीआईसी डॉक्टर, यूसीआईसी डॉक्टर डीआर, यू बोले तो अनसाउंड माइंड, सी कोरट कोरट कोरट, तीन कंडीशन, पहला मॉरल टर्पिट्यूड, दूसरा नॉट लेस देन 6 मंथ्स, तीसरा 5 ईयर्स नॉट, तो इधर दो वर्ड्स बोल जल्दी कोरट में, नेग्लिजेंस मिसफियंस, आई टू पहला आई ए अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, दूसरा आए क्या डिस्चार्ज, अनडिस्चार्ज का उल्टा होता है डिस्चार्ज, दूसरा वेर अ पर्सन हिमसेल्फ अप्लाइज टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट, सी कॉल्स इन अरियर्स मोर देन 6 मंथ्स, देख रहे अभी तक सब जगह पे नॉट लेस देन, नॉट लेस देन कर रहे थे, पहली बार मोर देन बोला है, ठीक है, क्यों मीनिंग है,
नॉट लेस देन मतलब मोर देन इक्वल टू होता है, मोर देन मतलब मोर देन होता है, समझाएगा कुछ? डी डिन और आरपीटी फ्रॉड रिलेटेड बाय ट्रांजैक्शन फ्रॉड किया तो अगले 5 साल तक डिस्क्वालीफाइड। अपने रिलेटिव्स बोले तो ऊपर के दो, नीचे के दो, दाएं बाएं एंड योर स्पाउस। कंपनी का रिलेटिव बोला तो होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर। क्लियर है? पक्का शर? ठीक है, ये तो हो गए सेक्शन क्रमांक 164 का सबसेक्शन 1, डायरेक्टर के खुद के पाप, उनसे पाप UCICDR। ऐसा ही आता है सेक्शन क्रमांक 164 का 2, जो बात करते हैं अबाउट कंपनी के पाप। कंपनी के भी ऐसे दो टाइप के पाप है, एक तो जो तुम लोगों ने बोला ना फाइलिंग नहीं करता है ना वो सब, और एक वो पेमेंट नहीं करता है वैसा वाला, मतलब एक फाइलिंग वाला पाप, एक पेमेंट वाला पाप। फाइलिंग वाला पाप में दो नाम, फाइलिंग में एनुअल अकाउंट्स फाइल नहीं किया, एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किया, ठीक है, फॉर कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ 3 इयर्स वेर अ कंपनी हैज फेल्ड। कंपनी हैज फेल्ड, कंपनी का डिफॉल्ट ध्यान रखना, कंपनी का डिफॉल्ट, कंपनी हैज फेल्ड टू फाइल द एनुअल अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर अ कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ 3 इयर्स तो डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, पेमेंट वाले पाप में क्या बोला, पेमेंट वाले पाप में वेर अ कंपनी हैज डिफॉल्टेड, कंपनी है कंपनी, वापस बोल रहा हूं, कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ 3D प्लस इंटरेस्ट, 3D प्लस, 3D मतलब पहला डी डिबेंचर मैच्योर हो गया रिडीम नहीं करवाया, डिपॉजिट डिविडेंड बरोबर, और इसके ऊपर का इंटरेस्ट। अगर तुमने पेमेंट नहीं किया तो डिस्क्वालीफाई। पेमेंट कब नहीं किया, पेमेंट कब करना चाहिए, ड्यू डेट पे करना चाहिए ना, तो ड्यू डेट पे नहीं किया तो बाद में विथ इंटरेस्ट बोला ना तो 1 साल तक वेट करने का, ड्यू डेट विथ इंटरेस्ट 1 साल तक पेमेंट नहीं किया तो डिस्क्वालीफाइड। समझे? अब कैसा क्या कौन डिस्क्वालीफाइड वो अपन ब्रेक के बाद देखते हैं, ठीक है? चलो, खाली एक पॉइंट इसमें समझ लेना, एक मिनट रुक जा रुक जा रुक जा, एक पॉइंट बताता हूं खाली। ये जो 164 2 बोला ना अपन ने, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी में अकाउंट्स फाइलिंग का, रिटर्न्स का, फाइलिंग का कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ही अलग है, तो वो अपना अलग रिक्वायरमेंट है, उसका अलग कंप्लायंस है, उसको ये प्रोविजन नहीं है तो उसको ये डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं है। गवर्नमेंट में पागल तो हो ही सकता है ना, इंसॉल्वेंट हो ही सकता है, तो ये एप्लीकेबल होएगा, समझा? प्राइवेट कंपनी अगर चाहे तो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए ये तो है ही है, इसके अलावा और भी कंडीशन डाल सकता है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, समझे? वे वो प्राइवेट कंपनी है ना, वो क्या क्वालिटी क्वालिटी प्रॉफिट प्रॉफिट ज्यादा रहता है उनका, समझा? एंड लास्टली वो याद रखना मैडम अब तक जो बोला था, कोई भी आदमी अपनी सारी जिंदगी में टोटल 7 साल या उससे ज्यादा समय जेल में बिता के आता है, ठीक है, बाकी की सारी जिंदगी के लिए वो डिस्क्वालिफाइड माना जाता है, ठीक है, आज 2 साल फिर 2 महीना फिर 1 महीना फिर 2 साल फिर 1 साल, ऐसा अलग अलग टाइम पे अलग अलग टेन्योर, टोटल जिंदगी में जब 7 साल खत्म हुआ उसके बाद कभी भी डायरेक्टर बनने का सोचना मत। क्लियर है? ठीक है, 15 मिनट में आ जाना।